हेलो दोस्तों, एस फॉर सुरेन के चैनल पे मैं सुरेन आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूँ। दोस्तों, आज क्लास 11 के आईपी में हम लोग बात करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 10 को लेकर के। दोस्तों, चैप्टर नंबर 10 जो है उसमें हम लोग बात करेंगे डेटाबेस के आखिर कॉन्सेप्ट्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आखिर क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को हम लोग किस तरीके से यूज कर सकते हैं, जिसमें फ्लैट फाइल क्या होती है हमारे पास, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, किस तरीके से हम लोग कुछ लिमिटेशंस को देख सकते हैं अपने फाइल स्ट्रक्चर के साथ, यानी कि जो फ्लैट फाइल सिस्टम है उसके साथ, और इस तरीके से बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग एक एक करके आगे डिस्कस करते जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच पाएंगे। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आखिर यहां पर अपने पास में इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या टॉपिक डिस्कस करें। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे यहां पर यह पूछना चाहता हूं कि डेटा होता क्या है। दोस्तों, हम लोग जानते हैं आज दुनिया में जो कुछ भी हम लोग देखें अपने आसपास, ना जाने कितना ही सारा डेटा हमारे आसपास होता है। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं आपके स्कूल के अंदर अगर हम देखें तो दोस्तों, आपका नाम, आपके पेरेंट्स का नाम, आपका फोन नंबर, आपकी ईमेल आईडी, आपका आधार नंबर, ब्लड ग्रुप नंबर, इस तरीके से दोस्तों अगर आप लोग देखें तो कितने ही सारे डेटा, जैसे कि आपकी मार्क्स को देख सकते हैं, आपकी अटेंडेंस को देख सकते हैं, टीचर कौन से अलॉट हुए हैं, किस क्लास के लिए अलॉट हुए हैं, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज जो है, इन सभी चीजों को अगर अपन देखें तो दोस्तों सारा का सारा डेटा हम लोग क्या कह सकते हैं, जो इंफॉर्मेशन हमारी होती है उसका सबसे छोटा जो यूनिट होता है उसको अपन क्या बोल सकते हैं, डेटा। जनरल फॉर्म में हम लोग बोलते हैं दोस्तों कि जो हमारे पास में रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं उसको अपन क्या बोल सकते हैं, डेटा। ठीक है, डेटा को जब हम लोग प्रोसेस करते हैं तो वो क्या बनती है, एक इंफॉर्मेशन। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं कि कुछ नंबर बोलता हूं, जैसे 54 78 72 75 98, तो आप पूछेंगे दोस्तों ये अगर मैं आपसे पूछूं या कि नंबर है क्या, तो शायद आप कुछ बता नहीं पाएंगे। लेकिन अगर मैं कहता हूं किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं या कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स है किसी एक सब्जेक्ट के, या ये कह सकते हैं कुछ लोगों की एज है, तो जब मैं आपको ये सारी बातें बताऊंगा तभी तो ये आपके लिए एक इंफॉर्मेशन बन पाएगी। तो डेटा जो है वो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होता है। देखते हैं कि डेटा क्या है। दोस्तों, डेटा इज अ रॉ एंड अनप्रोसेस्ड फॉर्म। देखिए, प्रोसेस्ड नहीं है। अगर डेटा आपका प्रोसेस हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगी, एक इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों, डेटा क्या है, डेटा इज अ रॉ एंड अनप्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है उसका अनप्रोसेस्ड फॉर्म है आपके पास, जिसको अपन कह सकते हैं एक रॉ डेटा आपके पास है। इट इज यूजुअली मीनिंगलेस, जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं 9, तो 9 है क्या, आपको पता नहीं। हो सकता है किसी स्टूडेंट का एक रोल नंबर हो सकता है किसी के घर का एड्रेस हो सकता है किसी की एक एज हो, तो मीनिंगलेस आपके पास ये होता है। तो इसको जब अपन डेटा को प्रोसेस करते हैं तो वो क्या बन जाती है, आपके पास एक इंफॉर्मेशन। दोस्तों, व्हाट इज इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन इज द डेटा व्हिच हैज बीन प्रोसेस्ड एंड हैज मीनिंग, जिसका कोई मीनिंग होता है। इट कैन बी इजिली इंटरप्रिटेड, जिसको कि आप इजिली समझ सकते हैं। अगर मैं आपसे एक रिपोर्ट कार्ड देता हूं, उसमें आप जो देखते हैं टेबुलर फॉर्मेट में कुछ नंबर दिखे होंगे, जैसे हिंदी के सामने एक नंबर होगा, इंग्लिश के सामने एक नंबर होगा, मैथ के सामने एक नंबर होगा, तो ये आपके सामने क्या बन जाएगी, एक मीनिंगफुल, एक इंफॉर्मेशन बन जाएगी। लेकिन केवल अगर मैं आपके सामने नंबर रख दूं, कोई भी कंटेंट में उसके अलावा आपके सामने नहीं रखूं, तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा ये नंबर है क्या। और अगर आपने सोचा है नंबर है तो कौन से सब्जेक्ट का है, जैसे एक स्लिप के ऊपर दोस्तों मैं आपको 5-6 नंबर लिख करके देता हूं, केवल नंबर लिख के देता हूं, तो आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये डेटा आखिर है क्या। तो जब तक मैं उसके सामने सब्जेक्ट्स या अदर इंफॉर्मेशन नहीं सेट करूंगा, तब तक वो आपके लिए मीनिंगलेस ही रहेगा। तो मीनिंगलेस है डेटा, मीनिंगफुल है इंफॉर्मेशन। अब देखिए दोस्तों, ये जो डेटा और इंफॉर्मेशन जब अपन स्टोर करते हैं किसी पर्टिकुलर फाइल के अंदर, तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, यहां पर अपना एक डेटाबेस। जनरली डेटाबेस क्या होता है आपके पास में, अगर मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज कहूं दोस्तों, डेटाबेस का मतलब क्या, एक ऐसा कंटेनर जिसमें बहुत सारा डेटा पड़ा होता है और उस डेटा को हम लोग वहां से रिट्रीव करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपकी स्कूल के अंदर अगर अपन जाकर पूछें कि आपका नाम लेकर के या आपका स्कॉलर नंबर लेकर के अगर अपन पता करें कि इनकी फीस स्ट्रक्चर क्या है, फीस कितनी ड्यू है, तो शायद वो एक क्लिक पे आपको सारे इंफॉर्मेशन दे सकते हैं और पूरी क्लास की या पूरी स्कूल की सभी इंफॉर्मेशन दोस्तों एक सिंगल क्लिक पे अपन को मिल जाती है, क्योंकि वहां पर जो आपका डेटा है वो बहुत अच्छे से मैनेज किया गया है। वहां पर कोई ना कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर जरूर यूज किया जा रहा होगा जो कि डेटाबेस को अच्छे से मैनेज करता है। तो दोस्तों, एक टाइप का सॉफ्टवेयर, एक टाइप का प्रोग्राम अपन जिसको एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, जो क्या करता है, हमारे पूरे डेटाबेस को मैनेज करता है। और वो सॉफ्टवेयर जो डेटाबेस को मैनेज करता है, उस सॉफ्टवेयर को, उस सिस्टम को ही अपन क्या
बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो इसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो हम लोग यहाँ एक एक करके अभी डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक मैंने इमेज डाली है जिसमें हमारे पास कुछ कह सकते हैं कि पीछे अपने पास एक डेटाबेस है। ठीक है, उस डेटाबेस में बहुत सारा डेटा पड़ा है। अब इस डेटाबेस के अंदर से डेटा को रिट्रीव करने का काम किसका है, सपोज एक सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करेंगे आगे जाते हुए, वो है MySQL। न केवल MySQL, आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स को दोस्तों यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहां पर MySQL को आगे बताऊंगा, इसलिए एग्जांपल में मैंने यहां MySQL की इमेज को यूज किया है। तो दोस्तों यहां से आप बहुत सारे डेटा ले रहे हैं या आप MySQL के थ्रू डेटाबेस में बहुत सारा डेटा भेज रहे हैं। इन केस अगर मैं आपसे ये पूछूं दोस्तों कि इंस्टाग्राम का डेटाबेस आपको पता है, कि आप कहेंगे शायद नहीं। आप क्या करते हैं, इंस्टाग्राम ऐप को यूज करते हैं, जो भी आपको पोस्ट डालना है, इमेजेस, जो भी वीडियो आपको अपलोड करना है, आप इजीली करते हैं। सेम अगर आप फेसबुक पे जाएं तो आप वहां पर भी अपने कंटेंट को अपलोड करते हैं या बहुत सारे मैसेजेस वगैरह जो भी करते हैं। होता क्या है दोस्तों, दुनिया भर में इतने सारे लोग जो इंस्टाग्राम, फेसबुक या दूसरे जो भी ऐप या वेबसाइट चलाते हैं, उन सभी का डेटा कहीं एक जगह पे जाके स्टोर होता है। वो क्या है, आपके पास डेटाबेस। अब उतने सारे डेटा को आप जैसे मैनेज, किस तरीके से मैनेज करेंगे, एक सॉफ्टवेयर आप यूज करें तो या अपन क्या यूज करें, MySQL। ठीक है, तो हम लोग अगर यहां बात करते हैं कि डेटाबेस होता क्या है, देखिए सिंपल सी टर्म में आपको मैं समझा चुका हूं, फिर भी अपन देखते हैं इसकी डेफिनेशंस क्या बनती है। डेटाबेस क्या हो गया, डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, जहां पर बहुत सारा डेटा अपन स्टोर करके रखते हैं, विच इज स्टोर्ड इन अ सिस्टमेटिक मैनर, जहां एक सिस्टमेटिक मैनर में अपन डेटा को स्टोर करते हैं। जैसे जैसे दोस्तों अगर अपन बात करें फीस से, तो फीस की एक अलग फाइल होगी अपने पास, अटेंडेंस की एक अलग फाइल होगी। इसी तरीके से अगर आप मार्क्स की बात करें किसी पर्टिकुलर, जैसे कि आप कह सकते हैं PT1 के, PT2 के या PT3 के या फाइनल एग्जाम्स के, जो भी, तो सबके अपने पास क्या होती है, अलग अलग फाइल्स होती है। तो हम लोग कह सकते हैं अलग अलग टेबल्स में हम लोग डेटा स्टोर करते हैं, एक टेबुलर फॉर्मेट में हम लोग अपना डेटा स्टोर करते हैं। तो कह सकते हैं एक सिस्टमेटिक मैनर में हम लोग अपने डेटा को स्टोर करते हैं, किसमें, जिसमें हम लोग क्या बोलेंगे उसको, डेटाबेस। जैसे हम लोग कह सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, सो दैट यू कैन रिट्रीव एंड मैनिपुलेट द इंफॉर्मेशन क्विकली। अब देखिए मैंने आपसे कहा था कि बस एक क्लिक पे आप अपनी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हैं, अगर आप फीस काउंटर पे जाके पता करें तो। इसी टाइप से ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, बहुत आसानी से मिल जाएगी गूगल पे दोस्तों। केवल आप एक कीवर्ड लिखते हैं और उसके बेस पे आपको कितनी सारे इंफॉर्मेशन मिल जाती है, क्योंकि वहां डेटाबेस जो है बहुत अच्छे से मैनेज किया जाता है। तो कह सकते हैं कि डेटाबेस क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ डेटा है, जिसको एक सिस्टमैटिक मैनर में अपन अच्छे से स्टोर करते हैं, जिससे क्या होगा, हम लोग अपने डेटा को बहुत अच्छे से रिट्रीव, रिट्रीव का मतलब क्या हो गया, इंफॉर्मेशन को फेच कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन को लेना हमारे लिए बड़ा इजी हो जाएगा, उस इंफॉर्मेशन को आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। जैसे किसी का मोबाइल नंबर बदलना चाहते हैं, किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं, कुछ नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहते हैं, कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस पे आपको डेटा को फेच करना है, वो सारे काम हम बहुत आसानी से कर सकते हैं डेटाबेसेस के बेस पे। ओके, इसके बाद मैं आपको कहूंगा डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ वन और मोर टेबल्स। जैसे मैं कॉमनली आपसे यही कह रहा हूं, कब से कह रहा हूं, कि जो डेटाबेस होता है उसमें एक टेबल नहीं होती है, एक से बहुत सारी ज्यादा टेबल्स हो सकती है। तो डेटाबेस क्या हो गया, डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ वन और मोर टेबल्स, अ टेबल होल्ड इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। जैसे आप एक्सेल को यूज करते हैं, कैल्क को यूज करते हैं, एक्सेस को यूज करते हैं, आपने देखा होगा दोस्तों इंफॉर्मेशन आप कैसे यूज, उसको किस तरीके से आप फेच करते हैं, आप टेबुलर फॉर्मेट में बनाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे दोस्तों मैं आपकी क्लास में अगर एक लिस्ट पकड़ा हूं और मैं आपको एक पेपर देता हूं, उसमें बोलता हूं कि आपकी क्लास के सभी स्टूडेंट के नेम, एड्रेस, फोन नंबर और ईमेल, ये चार फील्ड मुझे आप इनकी एंट्री करके दे दीजिए, तो शायद आप क्या करेंगे, उस पेपर में चार अलग अलग कह सकते हैं कि कॉलम्स बनाएंगे, कुछ रोज बनाएंगे, रोल नंबर वन उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका फोन नंबर या ईमेल जो भी है, फिर उसके बाद रोल नंबर टू की अटेंडेंस, जो भी आप एक्स वाई जेड जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपसे मांगू आप उसको लिख करके देंगे। तो वो जो आपने स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चर कौन सा हो जाएगा, टेबुलर फॉर्मेट। तो टेबुलर फॉर्मेट में हम अपने डेटा को मेंटेन करते हैं। इसी टाइप से दोस्तों अगर आप यहां पर ये इमेज देख रहे हैं, तो इसमें क्या है, ये एक डेटाबेस है जिसमें बहुत सारी फाइल्स आप देख रहे हैं। ठीक है, इन फाइल्स को अपन यहां पर क्या बोलेंगे, टेबल्स बोलेंगे। बेसिकली टेबल्स कुछ होती नहीं है, टेबल्स एक फाइल ही होती है जिस फाइल के अंदर अपना डेटा टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर होता है। तो डेटाबेस क्या हो गया, इमेज के अकॉर्डिंग अपने पास एक कंटेनर है, जिस कंटेनर के अंदर क्या है, बहुत सारी टेबुलर फॉर्म में अपनी कुछ फाइल्स पड़ी है, जिससे आप इसमें से कुछ इंफॉर्मेशन को फैच कर सकते हैं या
कुछ इंफॉर्मेशन को वापस आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं, डेटाबेस सिस्टम इज बेसिकली अ कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। ठीक है, क्या है? कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम, जिसमें कि आप कुछ रिकॉर्ड्स को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, रिकॉर्ड की कह सकते हैं कि एंट्रीज आप कर सकते हैं, फैच आप करना चाहे तो कर सकते हैं। इसी टाइप से कह सकते हैं, द कलेक्शन ऑफ डेटा यूजुअली रेफर्ड टू एज द डेटाबेस। क्या है गया? कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा को आप क्या बोलते हैं यहाँ पर? डेटाबेस कंटेंट इंफॉर्मेशन अबाउट वन पर्टिकुलर एंटरप्राइज। जैसे मैं अगर आपकी स्कूल के बारे में बात करता हूँ, तो आपकी स्कूल का जो डेटाबेस है उसमें दोस्तों केवल आपके स्कूल की इंफॉर्मेशन तो होगी। इसी टाइप से अगर अपन सीबीएसई के बारे में बात करें तो केवल सीबीएसई की इंफॉर्मेशन होगी। अगर अपन फेसबुक के बारे में बात करें तो वहां पर केवल फेसबुक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी। ऐसे ही अगर आप किसी भी कंपनी के लिए अगर सॉफ्टवेयर बनाते हैं या आप सोचते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, तो दोस्तों वहां पर उस एंटरप्राइज उस कंपनी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही उनके डेटाबेस में स्टोर होगी। क्लियर है? ओके, इसी टाइप से हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि ये जो डेटाबेस अपने पास होता है या जो डेटा अपने पास होता है, इसको अपन दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि आपके क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन मुझे स्टोर करनी है, एक तो दोस्तों एक ही पेपर पे कर दूं जिसमें आपका नाम, आपके आपका फोन नंबर, आपकी ईमेल आईडी, आपका एड्रेस, आपके मार्क्स, ठीक है, इसके साथ साथ आपकी जो फीस डिटेल है, आपके ट्रांसपोर्ट की डिटेल है, आपके लाइब्रेरी की डिटेल है, ये सारी एक ही पेपर पे एक ही फाइल में लूं। तो ये क्या कहलाएगा आपके पास? फ्लैट फाइल, जिसमें डेटा को मैनेज करना आपके लिए कई बार बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। दूसरा क्या होता है, हम सभी फाइल्स को अलग अलग, जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग फाइल्स बना दे। जैसे एक टेबल हम लोग बनाए, एक फाइल हम लोग बनाए जिसके अंदर हम लोग अपनी कह सकते हैं कि अपनी अटेंडेंस स्टोर करा दे। एक टेबल हम लोग ऐसे बना सकते हैं जिसमें ट्रांसपोर्ट की डिटेल डाल दे, एक में हम लाइब्रेरी की डाल दे, एक के अंदर हमारे मार्क्स की डाल दे, एक में हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन डाल दे और आपस में उन सबका रिलेशन बना दे। ठीक है, तो उसमें भी क्या होगा, डेटा को मैनेज करना बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। तो हम यही देखने वाले हैं। सबसे पहले अपने पास आता है फ्लैट फाइल। ठीक है, डेटा हम लोग डेटा को कैटेगराइज किस पार्ट में कर सकते हैं दोस्तों? दो पार्ट में या दो टाइप से हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है आपके पास? फ्लैट फाइल। फ्लैट फाइल क्या है? डेटा इज स्टोर्ड इन अ सिंगल टेबल। एक ही टेबल है आपके पास, उसी में सारी इंफॉर्मेशन आपने स्टोर कर रखी है। ठीक है, विद द प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मेट है। आपने अपने कंटेंट, अपने टेक्स्ट को एज इट इज टाइप कर दिया है। द फील्ड्स इन द रिकॉर्ड्स आर सेपरेटेड यूजिंग, ठीक है, डिलिमिटर, यानी कि आप यहां पर कॉमास के साथ, टैब के साथ, या आपको दूसरे जो कह सकते हैं स्पेसिफिक सिंबल्स को यूज करते हुए, जैसे आप एक्सेल में भी करते हैं, तो आप यहां पर उसको यूज कर सकते हैं। सिंपल सा एक स्ट्रक्चर है अपने पास। ठीक है, इट इज यूजुअली सुटेबल फॉर लेस अमाउंट ऑफ डेटा। अगर मैं आपसे कहता हूं आपके क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, उनका नेम, एड्रेस, फोन नंबर, बस तीन चार चीजें चाहिए, तो आप एक सिंपल सी फाइल बना करके दे सकते हैं। लेकिन जब दोस्तों आपके पास डेटा बहुत बड़ा हो जाता है, तो उस टाइम पर आप इसको अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो ये एक छोटे से कह सकते हैं स्मॉल अमाउंट में या लेस अमाउंट में अगर आपका डेटा है, तो आप उसके लिए, आपके लिए सुटेबल है, उससे ज़्यादा नहीं है। इसको हम लोग दोस्तों जनरली यूज नहीं करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर अपन देखें तो नेक्स्ट अपने पास कौन सा है? रिलेशनल। रिलेशनल डेटा, डेटा क्या है आपके पास? अलग अलग टेबल्स में स्टोर है और वो सभी टेबल्स आपस में एक दूसरे से रिलेट करती है, आपस में उनकी लिंकिंग है। ठीक है, जिसके थ्रू आप डेटा को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। जैसे अगर एक फाइल में मैं कहूं आपको कि आपका नाम, रोल नंबर लिखा है, और एक दूसरी फाइल जिसमें केवल रोल नंबर के साथ मार्क्स लिखे हुए हैं, तो इजीली दोस्तों हम लोग दूसरी वाली टेबल में से रोल नंबर्स को यूज करते हुए मार्क्स, और इस वाली टेबल के अंदर से रोल नंबर को यूज करते हुए उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को फेच कर सकते हैं। ठीक है, तो रिलेशनल क्या हो गया? डेटा इज स्टोर्ड इन मल्टीपल टेबल्स and can be accessed by establishing a relationship between the tables by using a common field. एक common field, जैसे मैंने कहा था दोनों tables में या एक से ज़्यादा tables के अंदर आपके पास scholar number या roll number आपके पास क्या होता है? एक ऐसा field जो सभी में common होगा। ठीक है, it is suitable for medium or large amount of data. तो दोस्तों ये आपके पास एक large amount का data है, एक बहुत बड़ा अगर आपके पास एक database है या एक medium size का भी database है, तो आप इसी को use करते हैं। और एक बहुत छोटा सा अगर कोई डेटा है आपके पास, तो आप वहां पर फ्लैट फाइल को यूज कर सकते हैं।
अब देखिए फ्लैट फाइल अगर आप यूज करते हैं, हालांकि मैं कहूंगा कि फ्लैट फाइल को हम लोग यूज नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप फ्लैट फाइल को यूज करते भी हैं तो दोस्तों वहां पर आपके पास क्या होती है, कुछ लिमिटेशंस आ जाती है, उसके कुछ डिसएडवांटेज आपके सामने आ जाते हैं। तो यहां हम पहले बात करेंगे फ्लैट फाइल सिस्टम आखिर होती क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक ही टेबल में हम सारी इंफॉर्मेशन रखते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों एक फाइल है और यहां पर कुछ लोग उसी फाइल को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। इसका कुछ ड्रॉबैक भी हो सकता है, कुछ एडवांटेज भी हो सकते हैं, लेकिन हम बात करेंगे इसके डिसएडवांटेज के बारे में, जिससे कि हम रिलेशनल डेटाबेस को बहुत अच्छे से समझ सकेंगे। देखिए फ्लैट फाइल क्या हो गया, फ्लैट बेस्ड या कह सकते हैं फाइल बेस्ड सिस्टम भी बोल सकते हैं, और इसको फ्लैट फाइल भी बोल सकते हैं, ठीक है, या फ्लैट डेटाबेस भी बोल सकते हैं। स्टोर ऑल द डेटा इन अ वन बिग फाइल, एक बड़ी फाइल है, उसी के अंदर आपने सभी डेटा को स्टोर कर रखा है, जैसे एक्सेल। अब एक्सेल में अगर दोस्तों आप सारे डेटा को स्टोर कर लेंगे तो उस डेटा को फेच करना हमारे लिए कई बार बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसीलिए हम लोग एमएस एक्सेस को यूज करते हैं या लिब्रे ऑफिस बेस को यूज करते हैं, या दूसरे जो अपने पास जैसे एसक्यूएल है, माई एसक्यूएल है, ओरेकल है, या पोस्टग्री है, आपके पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जिसको आप यूज करते हैं डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। तो फ्लैट फाइल क्या हो गया, जिसमें एक ही फाइल में सभी डेटा को अपन स्टोर कर लेते हैं। अब फ्लैट या कह सकते हैं फाइल बेस्ड सिस्टम जो अपने पास है वो क्या करता है, स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन और ऑल द डेटा इन वन बिग फाइल, एक बड़ी फाइल में सभी इंफॉर्मेशन को या अपने सभी डेटा को स्टोर करके रखता है। दूसरा क्या है, इसका कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है, देयर इज नो स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद द डेटा, मतलब बस डेटा आप डालते जाए, उसका कोई पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक है। इसी टाइप से अगर अपन देखें तो कॉमन डेटा, ठीक है, कह सकते हैं कॉमन डेटा में भी रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम, कुछ डेटा आपका बार बार रिपीट हो सकता है, क्योंकि आप एक ही फाइल में सभी डेटा को स्टोर करें तो शायद ये पॉसिबिलिटीज है कि कुछ डेटा आपके बार बार रिपीट हो सकते हैं उसी फाइल के अंदर। तो यहां पर ना ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड अपने पास रहता है, ये कुछ लिमिटेशंस भी आपके सामने होती है। तो वो लिमिटेशंस जो हैं अब अपन डिस्कस कर लेते हैं कि जो फ्लैट फाइल्स है आपके पास या फाइल बेस्ड जो अप्रोच है उसकी लिमिटेशंस क्या होती है। देखिए लिमिटेशंस का मतलब क्या है कि अगर आप उसको यूज करें चल रहा है, लेकिन जब आपका डेटाबेस थोड़ा बड़ा होता जाएगा तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, वो क्या क्या प्रॉब्लम है दोस्तों। सबसे बड़ी तो अपने पास प्रॉब्लम क्या है, यहां पर डिफिकल्टी इन एक्सेस। दोस्तों उस डेटा को एक्सेस करना आपके लिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एक छोटी फाइल है जिसमें आपका नाम, आपके पेरेंट्स का नाम, आपका एड्रेस, आपका फोन नंबर, थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन अगर है तो उसको मैनेज करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, कब, फ्लैट फाइल के अंदर भी या फाइल बेस्ड अप्रोच के अंदर भी। लेकिन दोस्तों जब आपका डेटा बढ़ता जाएगा, जैसे कि मैं कह रहा था कि आपके प्रीवियस स्कूल की इंफॉर्मेशन या आपकी करंट स्कूल की इंफॉर्मेशन से आपके मार्क्स हैं या आपकी जो दूसरी इंफॉर्मेशन जो भी होती है वो सारी की सारी अगर एक ही फाइल में रखी दी जाए तो दोस्तों वहां पर उस डेटा को हैंडल करना, उस डेटा को एक्सेस करना, मैनेज करना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। देखिए छोटा डेटा है तो चलेगा, लेकिन जैसे जैसे आपका डेटाबेस बढ़ता जाएगा बहुत दिक्कतें आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। आई होप ये बड़ा बेसिक है, आपको समझ में आ गया होगा, डेटा को एक्सेस करना आपके लिए थोड़ा डिफिकल्टी यहां पर क्रिएट करता है। नेक्स्ट है डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी का मतलब क्या है दोस्तों, डुप्लीकेसी। डेटा की डुप्लीकेसी जरूर हो सकती है। जैसे दोस्तों मैं कहूं कि एक क्लास के अंदर कुछ स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन मैं लिख रहा था, वहां एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन मैंने लिख दी और भी दूसरों की लिखता रहा, अचानक से किसी और ने बोला, मैंने उसकी भी इंफॉर्मेशन वापस लिख दी। इस तरीके से हो सकता है कि कोई डेटा आपका डुप्लीकेट हो जाए, ठीक है, क्योंकि एक ही फाइल में अपन डेटा लिखते जा रहे हैं तो उसमें डुप्लीकेसी के आने के चांसेस हो सकते हैं। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है डेटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है दोस्तों, डेटा की डुप्लीकेसी। एक फाइल के अंदर अगर एक डेटा फिर से रिपीट होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डेटा रिडंडेंसी। जैसे दोस्तों मैं कह सकता हूं एक मैं फॉर्म भर रहा था, एक फॉर्म फिल कर रहा था किसी स्कूल के एडमिशन के लिए, मैंने एक बार उसमें एंट्री करी, वो सबमिट हो गया, सबमिट हुआ कि नहीं पता नहीं, मेरे सामने कोई मैसेज नहीं आया, तो मुझे लग रहा था यार मेरा फॉर्म वहां सबमिट नहीं हुआ है। मैंने फिर से वापस फॉर्म फिल किया और जब मैं फिर से सबमिट कर रहा था तो वहां पर ये लिखा आया कि ये इंफॉर्मेशन आप ऑलरेडी इसके अंदर एंटर करवा चुके हैं, ये डेटा हमारे पास ऑलरेडी स्टोर्ड है, जैसे आपका आधार नंबर या आपका मोबाइल नंबर या एक पर्टिकुलर स्कॉलर नंबर जो भी आपने मेंशन किया वो उसमें ऑलरेडी स्टोर्ड है। इसका मतलब है आपकी एंट्री अभी से पहले हो चुकी है। लेकिन अगर वहां पर ये डेटाबेस को, यानी कि कह सकते हैं कि यहां रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज नहीं किया जाता तो बोलता ठीक है आप डालते जाए, एक बार डालिए, दो बार डालिए, तीन बार डालिए, चाहे जितनी बार डालते जाइए। तो फ्लैट फाइल में क्या होता है, डेटा रिडंडेंसी के चांसेस आपके पास होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, रिडंडेंसी क्या है, इट रेफर्स टू द स्टोरेज ऑफ सेम डेटा
मल्टीपल टाइम, मतलब डुप्लीकेट डेटा को आप यहाँ पर एंटर करवा सकते हैं। लिमिटेशंस हैं अपने पास, यानी कि फ्लैट फाइल में ऐसा हो सकता है, तो अपन को क्या है इन चीज़ों के बारे में भी अवेयर होना पड़ेगा कि ये डुप्लीकेट डेटा आपका स्टोर नहीं हो सके, लेकिन यहाँ तो हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों डेटा इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या हो गया, एक फाइल थी दोस्तों मेरे पास, मैं कुछ काम कर रहा था, उसमें कुछ स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन थी। मैंने उसमें स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन जब मैं देख रहा था, तो उसमें पता पड़ा यार एक लड़के ने बोला मुझे अपना कि उसने अपना ना फ़ोन नंबर चेंज करा, तो मैंने फ़ोन नंबर चेंज किया, लेकिन मैंने एक ही फाइल में चेंज किया, हो सकता है उस फाइल में या किसी दूसरी फाइल्स के अंदर उसकी इन्फॉर्मेशन मैंने अपडेट नहीं करी, क्योंकि मैं एक ही फाइल पर काम कर रहा था। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप किसी एक फाइल में अपना शायद की नेम की स्पेलिंग गड़बड़ है, आप वहाँ करवा रहे हैं, सपोज आपने क्लास टीचर को बोला कि अटेंडेंस रजिस्टर के अंदर जो मेरा नाम लिखा है उसकी स्पेलिंग गलत है, तो आपने वहां चेंज कराया और आपके क्लास टीचर ने सिर्फ अटेंडेंस रजिस्टर में चेंज किया, तो क्या दोस्तों स्कूल के सभी जगह पे वो चेंजेस हो जाएंगे? नहीं होंगे, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है आपको। इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या हो गया, मल्टीपल मिसमैच कॉपी ऑफ सेम डेटा इज कॉल्ड डेटा इनकंसिस्टेंसी। मतलब यहां पर आपके पास जो फाइल्स हैं वो अलग अलग फाइल्स हो सकती है, आपका डेटा जो है क्योंकि आपस में कोई लिंकिंग नहीं होता है, या एक फाइल के अंदर आप जो डेटा डालते हैं कभी ऊपर आपने कुछ लिख दिया, नीचे आपने फिर उसी डेटा को यूज करते हुए आप चलते गए, तो वहां एक जगह अगर आपने चेंजेस किया है तो सभी जगह पे चेंजेस नहीं होते हैं। तो ये फ्लैट फाइल का एक और कह सकते हैं ड्रॉबैक है कि यहां पर डेटा इनकंसिस्टेंसी भी क्रिएट होती है। इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या हो गया, मल्टीपल मिसमैच कॉपी, मतलब एक ही डेटा की जो कॉपी है उन आपस में डिफरेंसेस है, ठीक है। जैसे एक में रोल नंबर अपन है, या कह सकते हैं कॉन्टैक्ट नंबर है, या अपने पास नेम जो है वो अपन की स्पेलिंग्स में कहीं कुछ चेंजेस किए, वो सभी के अंदर चेंजेस नहीं हुए, केवल आपने जहां चेंज किया वहीं का वहीं चेंज हुआ है, क्लियर है। इसी टाइप से दोस्तों इनकंसिस्टेंसी के बाद अगर अपन देखें तो अपने पास आता है डेटा आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों सभी फाइलों का आपस में कोई लिंक होता नहीं है, एक ही फाइल में अगर डेटा पड़ा है तो आपस में उन सभी का रिलेशन नहीं होता है, नहीं होगा तो दोस्तों प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी। आइसोलेशन क्या हो गया, यहाँ पर डेटा आइसोलेशन रेफर्स टू अ सिचुएशन वे डेटा ऑफ वन फाइल कैन नॉट बी मैप्ड टू अदर रिलेटेड फाइल्स, यानी कि एक फाइल में कुछ इन्फॉर्मेशन पड़ी है, दूसरी एक और फाइल में इन्फॉर्मेशन पड़ी है, एक में स्टूडेंट का रोल नंबर नेम लिखा है और साथ में कुछ उसके मार्क्स वगैरह कुछ लिखे, एक और फाइल पड़ी है जिसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, लेकिन दोनों टेबल का आपस में कहीं कोई लेना देना नहीं है, कोई आपस में लिंकिंग नहीं है, कोई आपस में मैपिंग नहीं है, तो दोस्तों वहां पर क्या होगा, आप एक टेबल से दूसरी टेबल के डेटा को फेच कर पाएंगे? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आइसोलेशन का मतलब क्या हो गया कि आपके जो डेटाबेस है या आपकी जो फ्लैट फाइल्स है वो सभी अलग अलग पड़ी हुई हैं, बिखरी हुई पड़ी हैं, उनमें से एक दूसरे को क्योंकि लिंकिंग नहीं है, बिना लिंकिंग के आप डेटा को एक्सेस नहीं कर सकेंगे। तो डेटा आइसोलेशन रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर डेटा ऑफ वन फाइल कैन नॉट बी मैप्ड टू अदर रिलेटेड फाइल इन द एब्सेंस ऑफ लिंकिंग और मैपिंग और कॉमन फॉर्मेट, क्योंकि उनमें कोई कॉमन फॉर्मेट नहीं है, उनमें आपस में कोई लिंकिंग नहीं है या कोई मैपिंग नहीं है, इस वजह से दोस्तों क्या होगा, वहां पर डेटा को एक्सेस करना आपके लिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो यहां एक लिमिटेशंस में डेटा आइसोलेशन भी है, मतलब डेटा आपका अलग अलग पड़ा है। आइसोलेशन वर्ड तो बहुत कॉमन है, इन दिनों में आपने सुनी रखा होगा। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट अगर अपन बात करते तो अपने पास आता है डेटा डिपेंडेंस। अब देखिए होता क्या है, डेटा डिपेंड होता है सॉफ्टवेयर पे, कि जैसे अगर अपन बात करें एक ऐसी फाइल जिसमें कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर अगर अपन बात करें, एक ऐसा सिस्टम बात करें जो एक पर्टिकुलर फाइल से डेटा को उठा रहा है, यानी कि उसका एक फिक्स फॉर्मेट है, यहाँ सबसे पहले रोल नंबर है, फिर उसके बाद नेम हो जाएगा, फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर है, ऐसे कुछ। और अपन ने सॉफ्टवेयर ऐसा ही बनाया कि फर्स्ट फील्ड हमारा ये होगा, सेकंड फील्ड ये होगा, थर्ड फील्ड ये होगा, फोर्थ फील्ड ये होगा, इस तरीके से अगर अपन ने कुछ सॉफ्टवेयर बना दिया, एक टाइप का सॉफ्टवेयर या एक टाइप का प्रोग्राम अपन ने सेट कर दिया है, अब दोस्तों कभी भी अगर आप यहाँ एक नया कॉलम ऐड करेंगे या एक कॉलम डिलीट करेंगे या कोई साइज चेंज करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर फील्ड की, या फिर आप उसके फील्ड्स की नेम को चेंज करना चाहते हैं, तो दोस्तों सॉफ्टवेयर जो है वो डिपेंड है इस फाइल पर, ये फाइल डिपेंड है सॉफ्टवेयर पे। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, दोनों के बीच में क्योंकि कॉमन चीज़ें नहीं रहेंगी तो क्या होगा, आपका डेटा एक्सेस नहीं हो पाएगा।
तो डेटा डिपेंडेंस में क्या है आपके पास, सिंस द डेटा स्टोर्ड इन अ फाइल बेस्ड सिस्टम, क्योंकि आपका डेटा कहाँ है, फाइल बेस्ड सिस्टम पे है, हैव नो स्पेसिफिक एंड स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर इन सभी के बीच में कॉमन स्ट्रक्चर नहीं है। स्पेशल एप्लीकेशन प्रोग्राम आर रिटन टू एक्सेस द डेटा, इसलिए यहाँ पर आप एक स्पेशल एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाएंगे जो कि आपके इन डेटा को ईजिली एक्सेस कर सके। अब देखिए आपने क्या कर दिया, एक सॉफ्टवेयर बनवा दिया, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बन गया आपका, जो कि आपके कह सकते हैं फ्लैट फाइल से या फाइल बेस्ड सिस्टम से डेटा को एक्सेस कर सकता है। अब हुआ क्या, हुआ क्या, इफ अ न्यू डेटा आइटम इज एडेड टू फाइल्स, अगर आपने कुछ नया डेटा आइटम जो भी इसके अंदर ऐड किया है, और सम चेंजेस, अगर आपने कोई चेंजेस किए हैं एग्जिस्टिंग डेटा आइटम्स के अंदर, चाहे वो फॉर्मेट को लेकर के हो, चाहे वो साइज को लेकर के हो, आपके जो भी एग्जिस्टिंग डेटाबेस है उसके सिस्टम में आपने कहीं कुछ चेंजेस किए हैं, मतलब उसके फॉर्मेट में या साइज में कोई चेंजेस किए हैं, तो क्या होगा, कह सकते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम वुड नॉट वर्क एज दे वुड नीड चेंजेस एज पर द चेंज स्ट्रक्चर और फॉर्मेट, क्योंकि अब आप यहाँ पर चेंजेस करें दोस्तों, इसके स्ट्रक्चर में चेंजेस करेंगे, स्ट्रक्चर में चेंजेस करेंगे तो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में चेंजेस करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, डेटा डिपेंड है अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक्सेस ही नहीं कर पाएगा अगर आपने चेंजेस कर लिए। ध्यान रखना डेटा डिपेंडेंसी भी होती है, अपने पास एक लिमिटेशंस, आप दोस्तों केवल नाम नाम याद रख लीजिए, बाकी मैं आपको जो कह रहा हूँ आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आता ही जाएगा, तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। इसी टाइप से दोस्तों अपन यहाँ पर कह सकते हैं ये जो सिचुएशन बनी है अपने पास में जो कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो इसको क्या कह सकते हैं, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड डेटा डिपेंडेंस, ठीक है। इसके साथ साथ क्या है, द क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन डेटा स्टोर इन फाइल एंड द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, वो फाइल जिसमें आपका डेटा स्टोर है और वो जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, इन दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लिखा है द क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन डेटा स्टोर इन फाइल्स एंड द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट अपडेट एंड मेंटेन दोस फाइल्स इज कॉल्ड डेटा डिपेंडेंस, क्योंकि आपको उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, तो ये क्या कहलाएगा, आपका डेटा डिपेंडेंस कहलाएगा। आई होप दोस्तों ये सारे के सारे आपको समझ में आ रहे होंगे जो भी लिमिटेशंस हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद आता है दोस्तों आपके पास आएगा डेटा शेयरिंग सिक्योरिटी, ठीक है, डेटा शेयरिंग सिक्योरिटी और कंट्रोल इश्यूज आपके पास आएंगे। देखिए जनरली क्या होता है दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपका फेसबुक अकाउंट देखता हूं, लेकिन वो डिटेल जो मैं देखता हूं आप उससे कहीं ज्यादा आप डेटा देख सकते हैं आप जब लॉग इन करते हैं, तो कुछ डेटा आपने पब्लिक कर रखा होता है, जो पब्लिक कर रखा है वो मैं देख पाऊंगा, और कुछ डेटा जो आपने प्राइवेट या पर्सनल रख रखा है उसको मैं नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि आपने परमिशन दी है कुछ लोगों को देखने के लिए या नहीं देखने के लिए। इसी टाइप से दोस्तों अगर मैं बात करता हूं बैंक के डिटेल के बारे में, आप अगर अपने बैंक में देखें तो दोस्तों वहां पर आपको अपने अकाउंट की डिटेल दिख सकती है, क्या आप मेरे अकाउंट की डिटेल देख पाएंगे, बिल्कुल नहीं। उस बैंक में कितने यूजर्स हैं उन सभी की डिटेल आप देख पाएंगे, बिल्कुल नहीं। या सपोज मैं बात करता हूं आईसीआईसी बैंक की, जितने भी दूसरी अदर डिटेल्स हैं ना कि बैंक से रिलेटेड या कस्टमर से रिलेटेड, वहां कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, कौन कौन सी ब्रांच में कौन कौन पर्सन काम कर पा रहा है, क्या ये सारे इंफॉर्मेशन आप देख पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्योंकि आपको परमिशन नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर ये सारा का सारा डेटा एक ही फाइल में होता तो हम बहुत आसानी से उस डेटा को देख सकते थे। जैसे अगर मैं आपसे कहूं एक पेपर के ऊपर आपने कुछ इंफॉर्मेशन लिख रखी है दोस्तों, वो पेपर जो भी देखेगा उसको सारी की सारी चीजें देख सकता है वो, ठीक है। लेकिन अगर आप यहां पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाए कि एक में केवल नाम और रोल नंबर ही हो, दूसरे के अंदर मार्क्स और कुछ और हो, तो उसको फिर डेटा को फेच करना कई बार हमारे लिए थोड़ा मतलब मैनुअली थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन सिस्टम उसको बहुत अच्छे से आसानी से एक्सेस कर लेता है। हम चाहते हैं कि दोस्तों यहां पर अलग अलग यूजर्स के अकॉर्डिंग सिक्योरिटी हो। सपोज मैं कह सकता हूं मैनेजर लेवल पे अलग हो, एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे अलग हो, यूजर के लेवल पे अपने यूजर नेम पासवर्ड डाल के मैं अपनी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन देख सकता हूं, मैनेजर पूरी बैंक की डिटेल देख सकता है, इसी टाइप से एडमिनिस्ट्रेटर जितनी भी ब्रांचेज है सभी की इंफॉर्मेशन देख सकता है। तो वो क्या है, आपके पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक बेनिफिट है, जो कि यहां पर क्या है एक लिमिटेशन से, यहां पर कंट्रोल इश्यूज हैं, डेटा शेयरिंग एंड सिक्योरिटी भी आपके पास एक टाइप का इशू होता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं विद फाइल बेस्ड सिस्टम देयर इज नो प्रोविजन टू हैव कंट्रोल ओवर डेटा एक्सेस, ऑल द डेटा इज अवेलेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ यूजर, जो भी टाइप के यूजर हैं, मैं एडमिनिस्ट्रेटर लेवल की बात कर रहा हूं, चाहे मैनेजरल लेवल की बात कर रहा हूं, चाहे यूजर लेवल की एंड यूजर लेवल की बात कर रहा हूं, क्योंकि डेटा तो कॉमन है, एक फाइल में है, कोई भी एक्सेस कर सकता है, तो यहां ये भी एक लिमिटेशन है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने जो है वो डिस्कस करा है यहां पर अपने जो फ्लैट फाइल सिस्टम क्या है और इसकी लिमिटेशंस क्या है।
दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियो भी मिल सके और कहीं ना कहीं आप मुझे मोटिवेट भी कर सके, कहीं ना कहीं आप मुझे सपोर्ट भी कर सके। आइए देखते सबसे पहले अपन यहाँ पर इंट्रोडक्शन क्या है डेटाबेस को लेकर के। दोस्तों एक इमेज आप देख रहे होंगे जहां पर मैंने अपने कुछ फाइल्स और फोल्डर्स को स्टोर करके रखा है। तो अगर आप भी चाहते हैं, अगर आपके पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन होती है, जैसे स्कूल में अगर अपन देखें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उन सभी का नेम, उनका एड्रेस, उनका एज, उनकी कह सकते हैं कि ईमेल आईडी, उनका फोन नंबर, उनका आधार नंबर, ऐसी बहुत सारे इंफॉर्मेशन होती है दोस्तों। तो उस डेटा को हम स्टोर कैसे करते हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो दोस्तों एक्सेल की फाइल अपन क्रिएट करके रख सकते हैं, लेकिन वो जो है वो आपके पास एक टाइप से फ्लैट फाइल होती है, जो डेटा चाहिए वो सब आपके सामने पड़ा है। अगर अपन कोई सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, जैसे कि अगर आप कोई वेबसाइट्स के बारे में बात करें, तो वहां पर जो डेटा होता है दोस्तों वो एक्सेल फॉर्मेट में नहीं हो सकता है। वहां डेटा जो फॉर्मेट स्टोर करता है वो होता है आपके पास डेटाबेस का कॉन्सेप्ट। तो डेटाबेस आखिर आपके पास क्या होता है, डेटाबेस जिसके अंदर एक डेटा को स्टोर करते हैं, एक ऐसा बेस जहां पर आपका डेटा स्टोर होता है, ठीक है। तो डेटाबेस आखिर आपके पास क्या है, डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शंस कह सकते हैं। डेटाबेस क्या है, आपके पास एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शंस होता है, यानी कि आप यहां पर डेटा को अपने टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर करके रखते हैं। जैसे अगर आप देखें तो आपने देखा होगा आपकी स्कूल के अंदर एक आपकी जो अटेंडेंस होती है उसमें आप एक कॉलम देखते हैं जहां आपका नाम लिखा होता है, उससे पहले आपका रोल नंबर, उसके बाद डे वाइज आपकी प्रेजेंट है या एबसेंट है। इस तरीके से अगर अपन देखें तो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जहां आप अपनी वैल्यूज लिखते हैं। इसी टाइप से अगर आपके क्लास टीचर आकर के आपको बोलते हैं कि आपको एक फॉर्मेट दिया जाता है जिसमें आपका नेम, एड्रेस, फोन नंबर, ये कुछ वैल्यूज अगर आपको डालनी है, तो एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, एक टेबुलर फॉर्मेट है जहां आप अपना नाम लिखेंगे, वो पेपर आप पास करेंगे आपके फ्रेंड्स को, तो वो अपनी एंट्री करेगा। इसी तरीके से आप वो पेपर पूरी क्लास में सर्कुलेट करते हैं और लास्ट में आप देखते हैं टेबुलर फॉर्मेट में आपका डेटा बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो चुका होता है। तो क्या कह सकते हैं, अ डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन। स्ट्रक्चर क्यों, जो कि मैंने आपको कहा था कि एक स्ट्रक्चर आपके पास होगा, इसके अंदर नेम लिखना है, इस वाले फील्ड के अंदर आपको यहां पर कह सकते हैं कि आपके नाम या आपका एड्रेस या आपका फोन नंबर, आपका आधार, आपका ईमेल, ये इंफॉर्मेशन आपको स्टोर करवानी है। तो एक स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन आपके पास होती है, और डेटा टिपिकली स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली इन अ कंप्यूटर सिस्टम एट अ सेंट्रल लोकेशन। तो आप क्या करते हैं, आप जो भी डेटा लिखते हैं या जो भी डेटा आप स्टोर करते हैं उसको आप एक सेंट्रल सिस्टम, एक सेंट्रल लोकेशन पे डालते हैं, जिसको अपन कह सकते हैं सर्वर। अगर अपन वेबसाइट के बारे में बात करें, अगर अपन यूट्यूब के बारे में बात करें, तो दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड बहुत सारे टैग और बहुत सारे इंफॉर्मेशन, जैसे टाइटल क्या होगा, जैसे डिस्क्रिप्शन क्या होगा, उसकी लेंथ क्या है, या ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो यूट्यूब के सर्वर पर स्टोर की जाती है। तो वो डेटा कहां स्टोर हो रहा है दोस्तों, कहीं सेंट्रल लोकेशन पे हो रहा है, जिसके थ्रू अपन उस डेटा को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। इसी टाइप से देख सकते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर कि एक आपके पास में MySQL एक सॉफ्टवेयर है जो कि डेटाबेस से डेटा को लेकर के आ रहा है। तो आगे चलते हुए दोस्तों हम भी यहां जो सॉफ्टवेयर यूज करने वाले उसका नाम क्या, अपने पास MySQL ही होगा, लेकिन MySQL के अलावा भी दोस्तों बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनको भी अपन अभी एक एक करके डिस्कस करते हैं। अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ अ डेटाबेस एंड सॉफ्टवेयर दैट मेंटेन्स द डेटाबेस एंड अलाउज यू टू स्टोर, मैनिपुलेट एंड रिट्रीव डेटा इन अ वैरायटी ऑफ वेज। यानी कि आपके पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि एक टाइप का क्या है, सॉफ्टवेयर है, जो क्या करता है, आपके पूरे डेटाबेस को, यानी कि आपके फोल्डर्स के अंदर जितनी भी टेबल्स, जितनी भी फाइल्स है, उनके अंदर जो भी डेटा स्टोर करना है, जो डेटा रिट्रीव करना है, जो डेटा डिलीट करना है, जिस डेटा को आप वहां पर सेलेक्ट करना चाहते हैं, या उन फाइल का नाम रीनेम करना है, या और भी कुछ इंफॉर्मेशन में अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं, तो वो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू आप करते हैं। उस सॉफ्टवेयर को अपन क्या बोलते हैं, यहां पर DBMS। DBMS क्या हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो इसे कह सकते हैं कंप्राइज्ड, या कह सकते हैं कंप्राइज ऑफ अ डेटाबेस एंड अ सॉफ्टवेयर, जिसमें डेटाबेस भी आपके पास होगा और एक सॉफ्टवेयर भी होगा, ठीक है। ओके, तो यहां पर कुछ एक नाम देखते हैं दोस्तों अपने पास। जैसे आप इमेज में देख रहे होंगे एक नाम आपके पास आता है ओरेकल। ओरेकल क्या है, एक डेटाबेस आपके पास होता है, ऐसी एक नाम आता है DB2 जो कि IBM का है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो SQL सर्वर जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों PostgreSQL आता है, MySQL आता है, लिब्रे ऑफिस बेस आता है, MS Access आता है, Sybase आता है, ये सारे के सारे आपके पास में ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिसके थ्रू आप अपने डेटाबेस को इजीली मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा अपन देखते हैं कुछ एडवांटेज, डेटाबेस के एडवांटेज क्या है। दोस्तों बहुत सारे एडवांटेज अपने पास होते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज है डेटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब क्या है,
वैल्यू की डुप्लीकेसी नहीं हो सकती। तो डेटाबेसेस क्या करते हैं, रिड्यूस द डेटा रिडंडेंसी टू अ लार्ज एक्सटेंड, मतलब क्या कह रहा है कि आपके डेटा की डुप्लीकेसी नहीं हो सकती। अगर दोस्तों मैं अपने एक ईमेल आईडी बनाना चाहता हूँ जो मेरे नाम से ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, अगर उसी नाम से बनाऊंगा तो वो मुझे मना कर देगा, नाम ये नहीं होना चाहिए, ईमेल आईडी आपकी ये नहीं होनी चाहिए। कई जगह आपने देखा होगा आप कोई फॉर्म फिल करते हैं, अगर आपने एक बार वो दोस्तों फॉर्म फिल कर दिया है तो वही नाम या वही आईडी अगर आप वही वैल्यू वापस डालेंगे तो आपको मना कर देगा, कि वो आपको सीधा सीधा बोल देगा इस नाम से या इस नंबर से हम लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर चुके हैं। तो वहां पर क्या होता है, डेटा की डुप्लीकेसी को रोका जाता है। तो ये एक डेटाबेस का बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि डेटाबेसेस रिड्यूसेस द डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है दोस्तों, डुप्लीकेसी, डुप्लीकेसी को रोकता है। नेक्स्ट नाम आता है आपके पास डेटा इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या हो गया, तो ये कह रहा है कि ये कंट्रोल कर सकता है डेटाबेस, क्या कर सकता है डेटाबेस कैन कंट्रोल डेटा इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या दोस्तों, मेरे पास एक फाइल पड़ी है, उस फाइल के अंदर मैंने कुछ लोगों के नाम लिख रखे, मोबाइल नंबर आधार ये वो सब कुछ, अगर दोस्तों मुझे कोई चेंजेस करने के लिए बोले तो मैं अपनी फाइल के अंदर जाके चेंजेस करूंगा। क्या मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जहां जहां उन लोगों के नाम या एड्रेस या फोन नंबर जो मैंने चेंजेस किया वो सभी जगह हो जाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि दोस्तों उनके सिस्टम में एक अलग फाइल है, मेरे पास एक अलग फाइल है, कहीं और दूसरे सिस्टम में एक और अलग फाइल है, तो सभी फाइल में चेंजेस नहीं होते। तो डेटाबेस क्या कहता है, वो कहता है क्योंकि आपका डेटा तो सेंट्रलाइज्ड होता है, अब सेंट्रलाइज्ड अगर आपका डेटा है एक जगह आप चेंज करो तो वो सभी के सभी लोग जो उस डेटाबेस को एक्सेस करेंगे उन सभी के पास उस डेटा का चेंजेस हो जाएगा। जैसे अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं आपको, अगर मैं कहता हूं कि सपोज कि दोस्तों मेरे पास जो मेरा गूगल का अकाउंट है वहां मैं अपना पासवर्ड चेंज करता हूं, अगर दोस्तों एक जगह से मैंने पासवर्ड चेंज किया, जैसे गूगल पे जाकर के कोई भी एक सर्विस का चेंज किया, तो यूट्यूब का भी चेंज हो जाएगा दोस्तों, गूगल मैप का भी चेंज हो जाएगा, या यूट्यूब की जितने भी सर्विस है उन सभी जगह पर मेरा पासवर्ड चेंज हो चुका होगा। ठीक है, तो ये आपके पास जो एक बेनिफिट होता है, एक एडवांटेज है। इसके अलावा क्या है कि आपने जो फाइल बनाई डेटाबेस, जैसे मैंने कहा था कि पहले क्या था, अलग अलग जगह फाइल अपनी स्टोर हो रही थी, एक जगह मैं चेंजेस करता दूसरे सिस्टम में नहीं होता तो डेटा इनकंसिस्टेंसी हो रही थी, जिसको कि अपने आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखिए मैंने क्या कहा था कि आपका जो डेटा है वो सेंट्रलाइज्ड होता है, मतलब आपने अपनी फाइल बनाई और उस फाइल को आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में किसी के साथ में भी इजीली शेयर कर सकते हैं। तो ये इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, जिसको क्या बोलते हैं, शेयरिंग ऑफ डेटा। तो डेटाबेसेस फैसिलिटेट शेयरिंग ऑफ डेटा। इसके साथ इन्फोर्स स्टैंडर्ड, इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे मैं आपको भी कह रहा था कि अगर आपकी क्लास में आपको एक फॉर्मेट दिया जाता है जिसमें आपको नेम, एड्रेस, फोन नंबर ये वो सारी चीजें डालनी है, तो वो सब क्या है दोस्तों, आपके सामने एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बना के दिया है। आपको नेम वाले में नेम ही डालना है, आपको रोल नंबर वाले में रोल नंबर ही डालना है, आपको फोन नंबर वाले में फोन नंबर ही डालना है। तो ये आपके सामने क्या होता है, एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बन जाता है आपके सामने। तो कह सकते हैं कि ये कह सकते हैं इन्फोर्स स्टैंडर्ड, यानी कि आपको फोर्स करता है उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने के लिए। उसके बाद आता है डेटा सिक्योरिटी। आप अपने डेटा को जो आपने स्टोर करके रखा है सर्वर पे कहीं पर, तो आप वहां उसके यूजर नेम, पासवर्ड ये सब कुछ लगा सकते हैं, जिससे कि आपका डेटा प्रोटेक्टेड रहेगा, कोई भी उस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता है। जैसे दोस्तों हो सकता है मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेरी कोई फाइल है जिसके अंदर मैंने कुछ काम किया और वो फाइल मैंने वहीं रख दी, तो दोस्तों ऐसा पॉसिबल है कि मेरे घर जाने के बाद में उस फाइल को कोई और बंदा भी देख सकता है। लेकिन अगर मैं उस फाइल को, जो भी मेरे को काम करना था, उस फाइल को अगर मैं क्रिएट करता हूँ डेटाबेस सॉफ्टवेयर के थ्रू और उस फाइल को मैंने अपने सर्वर पर अपलोड कर दिया है, तो दोस्तों बिना यूजर नेम और पासवर्ड के उसको कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। इसी टाइप से एक और नाम आता है डेटा इंडिपेंडेंस। डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब क्या हो गया कि आपका जो डेटा है, ठीक है, उस डेटा में आप कोई भी चेंजेस करते हो तो उस डेटा को एक्सेस करने वाले सॉफ्टवेयर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं फेसबुक, तो फेसबुक के अंदर अगर देखें तो उसने अगर एक नया फील्ड बना दिया तो उसे उसके सॉफ्टवेयर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो सॉफ्टवेयर जो डेटाबेस को एक्सेस कर रहा है, आप डेटाबेस के अंदर भी चाहें तो कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, आसानी से चेंजेस कर सकते हैं, उसका सॉफ्टवेयर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका जो डेटाबेस है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, वो खुद किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसके बाद देखते हैं कुछ सम एप्लीकेशंस ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस के क्या क्या एप्लीकेशंस है, कहाँ कहाँ, कौन कौन से एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं। जैसे एग्जाम में दोस्तों एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, मैं कह सकता हूँ 12th बोर्ड में भी मैंने एक क्वेश्चन देख रखा है और 11th में तो बन ही सकता, आसान है। जैसे एक एयरलाइन है,
तो सपोज आपको कहा जाता है एक एयरलाइन नाम का डेटाबेस है, उसके अंदर आपकी टेबल्स के जो डेटा आप स्टोर करेंगे वो कौन कौन से डेटा हो सकते हैं। जैसे अगर मैं स्टूडेंट के बारे में बात करता हूँ, स्टूडेंट नाम का कह सकते हैं एक टेबल है, तो उसमें आप क्या स्टोर करेंगे, किसी स्टूडेंट का नेम, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल, जी, या आप हो सकता है कि उनकी जो क्लास है, उनके मार्क्स है, ऐसी इंफॉर्मेशन आप स्टोर करवा सकते हैं। तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए ऐसे ही आपकी बुक में क्योंकि लिखा है, तो मैं भी चाहता हूँ आपको थोड़ा आइडिया मिले। जैसे एयरलाइंस में देखें तो क्या है, फ्लाइट का शेड्यूल क्या हो जाएगा, उस फ्लाइट की कैपेसिटीज क्या है, ठीक है, इसी टाइप से रिजर्वेशन डिटेल्स क्या है, कस्टमर डिटेल्स क्या है, ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन। बैंकिंग में क्या हो सकती है, तो बहुत कुछ हो सकती है, लेकिन मैंने यहाँ 5-7 लिख रखे, जैसे कस्टमर इन्फॉर्मेशन, अकाउंट की डिटेल क्या है, पेमेंट्स क्या हुआ है, डिपॉजिट क्या हुआ है, लोन क्या है, ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। फाइनेंस में क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे स्टॉक क्या है, सेल्स क्या है, परचेज क्या क्या हुआ है, स्टॉक एंड कह सकते हैं बॉन्ड्स की जो डिटेल है वो क्या अपने पास है। सेल्स में अगर अपन देखें तो आपके पास प्रोडक्ट डिटेल्स क्या है, आपके पास सेल्स इन्फॉर्मेशन क्या है, आपके पास जैसे उसकी प्राइसिंग क्या है, डिस्काउंट क्या है, नेट अमाउंट क्या हुआ, कस्टमर की खुद की डिटेल्स क्या है, ऐसी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। इसी टाइप से अगर आप देखें तो दोस्तों आप यहां देख सकते हैं इन्वेंटरी मैनेजमेंट, इन्वेंटरी मतलब जो भी सामान अपने गोदाम में अपने शॉप पे पड़ा है तो उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, कितना प्रोडक्ट अपने पास अभी पड़ा है, कितना बेच दिया है, तो प्रोडक्ट की डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए, स्टॉक की डिटेल्स पता होनी चाहिए, इसी टाइप से सप्लायर कौन है उसको देने वाला, वो सारी चीज़ें, क्या क्या ऑर्डर अपने पास आए हुए हैं, कितना ऑर्डर अपने परचेस कर रखा है, डिलीवरी कितनी दे दी है, ऐसी बहुत सारी डिटेल्स आपके पास हो सकती है जो इन्वेंटरी मैनेजमेंट होती है। अगर अपन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो स्टूडेंट की डिटेल क्या है, कोर्स डिटेल क्या है, टीचर्स की डिटेल क्या है, स्टाफ की डिटेल्स क्या है, रजिस्ट्रेशन डिटेल क्या है, कॉलेज कौन सी है, उसकी ग्रेड इन्फॉर्मेशन क्या है, ये सारे इन्फॉर्मेशन जो है अगर अपन देखें तो यूनिवर्सिटीज़ के साथ बन सकती है। ऐसे कोई भी एग्जाम्पल अगर आपसे पूछे तो दोस्तों आपके माइंड में फटाक से कुछ आंसर्स आ जाने चाहिए। इसी टाइप से अगर अपन एचआर मैनेजमेंट देखें, ठीक है, तो उसमें क्या है, एम्प्लॉयज़ की डिटेल क्या है, उसकी सैलरी क्या है, पेरोल इन्फॉर्मेशन क्या है, ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन आ सकती है। ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में बात करते दोस्तों, प्रोडक्ट की कैटेगरी क्या है, आइटम की डिटेल्स क्या है, प्राइसिंग क्या है उसकी, इसी टाइप से उसका सेल कह सकते हैं, सेल्स उसकी क्या है, इसी टाइप से अपन कह सकते हैं कस्टमर डिटेल्स क्या है, लोन डिटेल क्या है, कस्टमर की फाइनेंशियल डेटा क्या है, ऐसे बहुत सारा अपन डेटा जो है वो स्टोर करवा सकते हैं। अब देखिए अपन जो बात करने वाले हैं वो अपने पास टॉपिक आएगा कन्वर्टिंग फ्रॉम फाइल सिस्टम टू डीबीएमएस। पिछले वीडियो में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों कि आपके पास एक फ्लैट फाइल होती है जिसमें एक ही टेबल के अंदर आप अपना पूरा डेटा डाल के रखते हैं। जैसे यहाँ अगर अपन देखें तो दोस्तों आपके पास कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनकी कह सकते हैं स्कॉलर आईडी आपके पास होगी, उनका नेम होगा, उनकी क्लासेज होंगी, इसी टाइप से उनका एड्रेस है, फोन नंबर है। अब देखिए अपन ये कह सकते हैं कि जैसे अपने पास में एक टीचर है जिसका नाम है पल्लवी, वो दोस्तों दो लोगों को पढ़ा रही है, तुषार को भी पढ़ा रही है और वैभव को भी पढ़ा रही है। तो देखिए अननेसेसरी आप क्या करें, यहां पर दो अलग अलग रिकॉर्ड लिख रहे हैं। अगर इसी क्लास में दोस्तों अगर 50 स्टूडेंट, 100 स्टूडेंट, 500 स्टूडेंट हो, मतलब मैं अगर बात करता हूं एक स्कूल में जिसके अंदर क्लास 10th के अगर 4-5 सेक्शंस अगर आपके पास होते हैं, 12th के भी सेक्शंस होते हैं, उन सभी के अंदर दोस्तों सपोज मिस पल्लवी अगर या मिसेस पल्लवी वहां पढ़ा रही है सपोज, तो अपन को इतने सारी जगह उनका नाम बार बार लिखना पड़ेगा, जिससे क्या होगा अननेसेसरी अपना डेटाबेस बढ़ता जाएगा। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ टीचर के कॉन्टैक्ट नंबर, तो कॉन्टैक्ट नंबर तो वही होंगे ना जो दोस्तों एक जगह लिखा है सभी जगह, वही उनका नाम, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनकी टीचर आईडी, ये बार बार आपके पास रिपीट हो रही है। तो दोस्तों 2-4 रहे जब तक तो ठीक है चलता है, लेकिन जब आपका डेटा है ना मतलब 500, 1000, 2000, 5000 जब उस लेवल पे जाता है, तो दोस्तों वहां पर आपका डेटा जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब अननेसेसरी आपका वो डेटा बढ़ता जा रहा है, तो ये आपके डेटाबेस को स्लो करेगा, आपके सॉफ्टवेयर को स्लो करता है। तो यहाँ आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि इनमें से अगर क्यों नहीं अपन एक स्टूडेंट की टेबल अलग बना दें, एक टीचर की बना दें, टीचर की जो आईडी आपके पास होती है, मतलब क्या लिखा होगा 01 और 02 03, बस तीन लोगों के एंट्री होंगी, पल्लवी या फिर मंथन या फिर सुरेश, जो भी नाम है उनका फोन नंबर ये लिखा है, और जो स्टूडेंट की आपकी टेबल है उसके अंदर केवल अपन क्या करें टीचर की आईडी डाल के रख दें, 01 02 03 जो भी आपके पास है, वो आप सीधे उसको लिंकिंग कर सकते हैं जब आप कोडिंग कर रहे होंगे। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट कैसे करें दोस्तों, इसी डेटा को मैंने क्या कर रखा है एक एग्जांपल के साथ आपको वापस समझा दिया, एक टीचर टेबल बना दी और एक स्टूडेंट की टेबल बना दी। अब अगर आप देखें तो मैं इसमें अगर आपसे पूछता हूं, ओके आप मुझे बता सकते हैं बबीता जो है उसको कौन पढ़ा रहा है, तो आप देखेंगे जो एस आई डी है 538, नाम बबीता है, क्लास 9th है अपने पास में, जो शास्त्री नगर से रिलेटेड है, उनका फोन नंबर है, और उनकी जो टीचर आई डी है वो क्या है 03, तो 03 मिस्टर सुरेश उनका फोन नंबर। आपको देखिए बार बार
रिपीट नहीं करना पड़ रहा है। अगर ये डेटा आपके पास 100, 200, 500 इतने सारे स्टूडेंट्स का होता तो ये आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता उसको मैनेज करना। तो कितना इजी हो गया दोस्तों, अगर यहाँ से एक टीचर रिप्लेस होता है तो अपन क्या कर सकते हैं, वो आईडी जिसकी आईडी आपने 3 डाल रखी थी उसके नेम में चेंजेस करना है, फोन नंबर एक जगह चेंजेस करो, आपके वो 100, 200, 500, 1000, 2000 जितने भी रिकॉर्ड्स हैं सभी जगह ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या है, एक तरीका है जिसे आप क्या कर सकते हो, फ्लैट फाइल जो है, फाइल जो सिस्टम होता है उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो डेटाबेस में। तो डेटाबेस में कन्वर्ट करने के कुछ रूल्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, आपके दिमाग में कुछ बातें रहनी चाहिए। क्या है, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट from a flat file to a relational database, keep in mind that क्या कि relational database do not store all the data in the same table, एक ही table में आपका पूरा data नहीं हो सकता, जैसे कि मैंने पहले वाली image में बताया था। तो आपको क्या करना पड़ेगा, repeated data is moved into its own table, वो नाम जो पल्लवी है या फिर मंथन है या सुरेश है, वो नाम जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, उन नाम को या उन वैल्यूज को आप क्या करो, उनकी खुद की एक टेबल बना करके रख दो। तो अपन एक टीचर नाम की टेबल बना दी और आपको क्या कह रहा है, सेपरेटेड जो टेबल्स हैं दिस वे आर लिंक्ड थ्रू अ कॉमन फील्ड, उन दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों, तो आपके पास कॉमन था टीचर की आईडी, एक टेबल में भी टीचर आईडी और दूसरी टेबल में भी टीचर आईडी, तो उसके थ्रू आप उनके बीच में एक रिलेशनशिप बना सकते हो, लिंक बना सकते हो। ठीक है, तो ये तीन बातें हैं जो आपके माइंड में रहनी ही रहनी चाहिए। इसके बाद अगर अपन देखें तो दोस्तों अपने पास आता है डेटाबेस के कुछ की कॉन्सेप्ट्स, क्या है डेटाबेस के की कॉन्सेप्ट्स वो भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपके पास यहाँ एक नाम आता है डेटाबेस स्कीमा, स्कीमा का मतलब हो गया दोस्तों व्यू, आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपके पास व्यूज हैं वो किस तरीके के हैं, मतलब लोग जो हैं उसको देखने वाले, एक व्यू वन, एक व्यू टू, एक व्यू थ्री, तीन अलग अलग लोग हैं जो इस डेटाबेस को देख रहे हैं। अगर मैं कहता हूं दोस्तों बैंक के अकॉर्डिंग एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, तो बैंक में अगर मैं जाऊं अपने अकाउंट की डिटेल देखने के लिए तो दोस्तों केवल मुझे मेरी अकाउंट की डिटेल ही दिखेगी, बाकी कुछ नहीं। लेकिन अगर मैं मैनेजर लेवल के बारे में बात करूं, मैनेजर अगर अपनी आईडी डालता है तो वो दोस्तों उस बैंक में जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन वो आसानी से देख सकते हैं। इसी तरीके से बात करते हैं, वो जो पर्सन जिसने डेटाबेस को मैनेज किया वो शायद मैनेजर से भी ज़्यादा डेटा देख पाएगा। तो अपन क्या कह सकते हैं, जैसे स्कूल में अगर अपन बात करें, अपने स्कूल में सपोज आपको एक यूजर नेम और पासवर्ड दिया गया, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट्स के कंटेंट को देख सकते हैं। एज अ स्टूडेंट आपको लिमिटेड डेटा दिखेगा, अगर मैं एज अ टीचर देख रहा हूँ तो मैं उसको एक्स्ट्रा चीज़ें देख पाऊंगा, मैं अपना यूजर नेम पासवर्ड डालूंगा तो मैं कुछ फाइल्स अपलोड भी कर सकता हूँ, सो दैट मेरे स्टूडेंट्स जो हैं उस फाइल को या उन डेटास को देख सकते हैं। लेकिन मुझसे ज़्यादा परमिशन दोस्तों मेरे प्रिंसिपल के पास होगी, क्योंकि वो जो है कुछ और चीज़ें, जो चीज़ें मुझे नहीं देख सकती व्यू, उनका अलग हो सकता है। इसी टाइप से अलग अलग टाइप के व्यूज आपके पास होते हैं, कुछ कॉन्सेप्चुअल स्कीमाज होते हैं, कुछ फिजिकल स्कीमाज होते हैं। ओके, अपन देखते हैं सबसे पहले डेटाबेस स्कीमा आखिर है क्या। तो इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्ट्रक्चर और द डिजाइन ऑफ डेटाबेस, किस टाइप का डेटा आपको दिखना चाहिए, कितने टाइप, कौन से टाइप का डेटा आपको दिखता है, कुल मिलाकर के ये। इट रिप्रेजेंट्स डेटाबेस टेबल्स, टेबल स्ट्रक्चर, जैसे टेबल का फील्ड क्या है, उनके टाइप्स क्या है, उनकी साइज क्या है, उनके फॉर्मेट्स क्या है, इसके साथ साथ अदर रूल्स, कौन कौन से रूल्स हैं, वो सारी चीज़ें जो आपस में टेबल में लिंकिंग वगैरह है, तो ये सारी की सारी चीज़ें को अपन क्या बोलते हैं, डेटाबेस के स्कीमाज हैं। ठीक है, स्कीमा मतलब क्या हो गया, आपके पास यहाँ पर आपका जो डेटाबेस है, ठीक है, उस डेटाबेस के अंदर क्या क्या चीज़ें आपके पास है, टेबल के फील्ड्स या और दूसरी जो भी इंफॉर्मेशन है सारी की सारी। स्कीमा इज ऑल्सो कॉल्ड विजुअल और लॉजिकल आर्किटेक्चर, तो आपके पास जो स्कीमाज को आप क्या बोल सकते हैं, लॉजिकल आर्किटेक्चर बोल सकते हैं या विजुअल आर्किटेक्चर बोल सकते हैं। मतलब क्या हो जाएगा, आपके पास जो आपका स्ट्रक्चर है, जो डिज़ाइन है, वो कुछ किस टाइप की है, ये आपके पास डेटाबेस स्कीमा और जो मैं आपको बता रहा था वो सब आपके पास क्या हो जाते हैं, व्यूज़। ठीक है, तो व्यूज़ आपके पास अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, लेकिन सभी के सभी व्यूज़ किस पर डिपेंड करते हैं, आपके डेटाबेस के स्ट्रक्चर पर, डेटाबेस के स्कीमा के ऊपर। इसके साथ अगर अपन बात करें तो अपने पास नाम आता है दोस्तों डेटाबेस का इंस्टांस। इंस्टांस आपके पास क्या हो गया, एंड इंस्टांस इज आल्सो कॉल्ड अ करंट स्टेट। मतलब मेरे पास एक डेटाबेस, अगर मैं बात करता हूं तो उसमें आज सपोज 5 रिकॉर्ड्स है, लेकिन अगर बाद में देखें कुछ दिनों बाद तो वो रिकॉर्ड 5 के 7, 10, 20, 50 बढ़ते बढ़ते जाएंगे। ये मतलब चेंजेस हो सकते हैं, अगर आप शेयर मार्केट देखें तो चेंजेस हो सकते हैं, कभी अप कभी डाउन। अगर आप कोई वेबसाइट्स देखें जहां पर, जैसे मैं अगर अपने चैनल के बारे में बात करता हूं, तो आज से एक साल पहले कह सकता हूं, दो साल तो नहीं कह पाऊंगा, एक साल पहले मेरे पास जो सब्सक्राइबर है उनकी रेट कुछ अलग थी, आज कुछ अलग है। तो चेंजेस अपने पास होते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी अपन डेटाबेस के बारे में बात करते तो उसमें वैल्यूज जो है, उसकी रोज जो है, उसके रिकॉर्ड जो है वो अप डाउन होते रहते हैं। तो अप डाउन जो होते हैं उनको क्या बोल सकते हैं, यानी रिकॉर्ड्स को क्या बोल सकते हैं, इंस्टेंस। तो
ये क्या कह रहे हैं, एन इंस्टांस इज ऑल्सो कॉल्ड अ करंट स्टेट, अभी की स्टेट, अभी की पोजिशन क्या है वो बता रहा है, और डेटाबेस स्टेट, तो डेटाबेस का स्टेट क्या है। द डेटाबेस स्कीमा दैट डिफाइंस वेरिएबल इन टेबल्स विच बिलोंग्स टू अ स्पेसिफिक डेटाबेस, द रिकॉर्ड ऑफ दिस वेरिएबल एज अ पर्टिकुलर मोमेंट आर कॉल्ड द इंस्टांस ऑफ द डेटाबेस। तो जो भी रिकॉर्ड ऑफ दिस वेरिएबल्स हैं, यानी कि जो रिकॉर्ड्स हैं आपके पास में, वो आपके पास क्या कहलाते हैं, इंस्टांस ऑफ द डेटाबेस। इसी टाइप से कह सकते हैं, दस डेटाबेस इंस्टांस कैन चेंज ओवर टाइम, धीरे धीरे टाइम के साथ वो इंस्टांस आपके बदल सकते हैं। वेयर एज अ डेटाबेस स्कीमा इज यूजुअली स्टैटिक और फिक्स। स्कीमा जो आपके पास है ना, जो स्ट्रक्चर जो है वो तो आपका फिक्स है, मतलब एक अगर मैं टेबल के बारे में बात करता हूँ तो उसमें नेम, एड्रेस, फोन नंबर, ये वो जो चीज़ें मैंने एक बार बनाई वो तो फिक्स है, लेकिन धीरे धीरे जब कुछ नए स्टूडेंट्स आएंगे तो अपन उसके अंदर एंट्रीज और करते रहेंगे। तो जब एंट्रीज करते रहेंगे, नए नए लोग आते जाएंगे, एंट्रीज बढ़ेंगी, तो उसको क्या बोल सकते हैं, इंस्टांस, जबकि आपके पास स्कीमा क्या हो गया, यानी कि उसका स्ट्रक्चर क्या कुछ था। क्लियर है। इसके बाद अपन दोस्तों बात करने वाले हैं मेटा डेटा। मेटा डेटा का मतलब क्या हो गया, मेटा डेटा मतलब डेटा अबाउट डेटा, मतलब अगर अपन बात करें, जब डेटाबेस के बारे में बात करते हैं उसमें बहुत सारा डेटा अपन स्टोर करके रखते हैं, तो डेटा अबाउट डेटा, एक डेटा जो है, जैसे अगर मैं बात करता हूँ नेम, तो नेम जो है वो क्या है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स आपके पास है, उसके अंदर भी अगर अपन देखें तो उस डेटा को किस तरीके से स्टोर किया जा रहा है इंटरनली, तो वो आपके पास क्या कहलाता है, मेटा डेटा। ठीक है। इन अ डेटाबेस या कह सकते हैं इन अ DBMS कॉन्टेक्स्ट, द डेटा इन टेबल हैव सर्टेन प्रॉपर्टीज एंड एट्रीब्यूट, जैसे कि आपके पास सच एज द टाइप, उसका टाइप क्या है, आप जो डेटा स्टोर करें उसका टाइप क्या है, आप जो डेटा स्टोर करें उसकी लेंथ क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है। ये एक डेटा, यानी कि मैं कहता हूं सपोज मैं किसी का फोन नंबर स्टोर करता हूं, तो फोन नंबर अपने आप में एक डेटा हो गया, लेकिन वो फोन नंबर जो है वो कितने डिजिट का होगा, उसका डेटा का टाइप क्या होगा, वो कैरेक्टर होगा, वेरकर होगा, इंटीजर होगा। ठीक है। ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो आपके पास होती है उसको अपन क्या बोल सकते हैं, मेटा डेटा, मतलब डेटा अबाउट डेटा। किसी डेटा का भी अगर अपन देखें डेटा, तो वो आपके पास मेटा डेटा कहलाता है। ठीक है, सिंपल है, ताकि वो आपके डेटा को मीनिंगफुल बनाता है। मेटा डेटा इज स्टोर्ड इन द डेटा डिक्शनरी, तो मेटा डेटा क्या करता है, आपके डेटा को डिक्शनरी के अंदर, डेटा डिक्शनरी के अंदर डेटा को स्टोर करता है। डेटा डिक्शनरी बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, अपने एक चैप्टर था पूरा कंप्लीट डिक्शनरी, उसमें अपने डिस्कस कर रखा है। तो डेटा डिक्शनरी होता क्या है, और डेटा डिक्शनरी कंटेंट्स मेटा डेटा सच एज द डेफिनेशन ऑफ ऑल स्कीमा ऑब्जेक्ट, जो भी स्कीमा ऑब्जेक्ट्स हैं उन सभी को डिफाइन करता है इन द डेटाबेस, जैसे उसकी टेबल्स क्या हैं, उसके व्यूज क्या है, उसके इंडेक्सेस क्या है, एंड ऑल अदर डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स, जो भी आपके पास डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स हैं उन सभी के बारे में ये आपको इन्फॉर्म करता है, उन सभी को डिफाइन करता है। ठीक है। तो ये आपके पास है, जैसे कि स्पेस अलॉटेड क्या रहा है, डिफॉल्ट वैल्यूज क्या है, कितने कॉलम हैं, जो भी आपके पास में उनके बीच की इंटीग्रिटी क्या रही है, आपके पास यूजर का नेम क्या है, प्रिविलेज क्या मिल रहा है, कुछ रूल्स जो आपके पास होते हैं, वो सारी सारी की चीजें अपन क्या कह सकते हैं, यहाँ पर डेटा की डिक्शनरी। इसी टाइप से एक नाम आता है दोस्तों डेटा कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स क्या हो जाता है, आपके पास कुछ रूल्स हैं। ठीक है। तो डेटा स्टोर्ड इन अ डेटाबेस मस्ट फुलफिल सम रूल्स एंड कंडीशंस, ताकि ये बताना कि भाई ये वाला फील्ड आपका प्राइमरी हो सकता है, अगर प्राइमरी है तो वैल्यू आपकी ब्लैंक नहीं हो सकती, वैल्यू रिपीट नहीं हो सकती, कौन से फील्ड को डिफॉल्ट आपको वैल्यू देनी है, है ना। तो ऐसी जो चीज़ें, जो रूल्स आप सेट करते हो, उन सेट रूल्स को क्या बोलते हैं अपन, डेटा कंस्ट्रेंट्स। तो डेटा स्टोर्ड इन अ डेटाबेस मस्ट फुलफिल सम रूल्स एंड कंडीशंस so that only validated and required data is stored, जो data validated है, जैसे validation का मतलब शायद समझ गए होंगे आप, कि इस वाले field के अंदर आप केवल numbers ही डाल सकते हैं, character नहीं, या इनके अंदर आप character नहीं डाल सकते, या किसी में date format आता है तो पहले आपको date डालनी, फिर month, फिर year, तो ये जो rules आपके पास होते हैं, ये जो validity आपके पास होती है, ठीक है, या जो required data, भाई ये तो value डालनी ही डालनी है। बहुत सारी वेबसाइट में दोस्तों जब अपन एंट्री करते हैं तो कई बार होता है एक स्टार बना होता है रेड कलर से, इसका मतलब ये रिक्वायर्ड डेटा है। तो रिक्वायर्ड डेटा, वैलिडेशन, ये जो रूल्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, डेटा कंस्ट्रेंट्स। द रूल्स एंड कंडीशंस ऑफ डेटा आर डिफाइंड वाया डेटा कंस्ट्रेंट्स। अ डेटाबेस कंस्ट्रेंट्स इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट डिफाइन वैलिड डेटा, जो बताता है कि ये डेटा आपका वैलिड है। कई बार देखा होगा फोन नंबर जब आप लिखते हैं उसमें 6-7 करेक्टर लिख करके आप अगर आप देखें एंटर करेंगे तो बोल देगा ये पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं, ईमेल का फॉर्मेट करेक्ट नहीं होता तो बता देता है ईमेल का फॉर्मेट करेक्ट नहीं है। ठीक है। वो सारी चीजें। तो एक एग्जांपल अगर अपन देखें तो नॉट नल, प्राइमरी की, यूनिक, चेक, डिफॉल्ट, फॉरेन की, ये सब आपके पास क्या है, कुछ रूल्स होते हैं कि भाई इस फील्ड को आपको नल रखना है कि नहीं रखना है, किसको प्राइमरी की बनाना है, किसको यूनिक बनाना है, किसको आप चेक रखना चाह रहे हैं, किसको डिफॉल्ट रखना चाह रहे हैं, ये सारे कंस्ट्रेंट्स कहलाते हैं।
इसी तरीके से दोस्तों नेक्स्ट अपने पास आता है क्वेरी। क्वेरी का मतलब क्या है? कमांड, मतलब मुझे डेटाबेस के अंदर से कुछ डेटा लेना है या डेटा स्टोर करना है, एक नई टेबल क्रिएट करनी है, उन सब के लिए क्या करना होता है, मुझे कमांड लिखना होता है। तो कमांड का मतलब क्या है, यहाँ पर क्वेरी कहते हैं। जनरली इसका नाम जो है SQL, अपन जानते भी है SQL, जो अपन आगे यूज भी करेंगे। तो SQL क्या होता है दोस्तों? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, SQL मतलब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, तो क्वेरी का मतलब क्या हो गया? अ क्वेरी इज अ टाइप ऑफ कमांड दैट रिट्रीव्स डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, डेटाबेस स्टोर्ड ऑन अ सर्वर, जो कि सर्वर पे अगर कोई डेटाबेस के अंदर अगर अपना कोई डेटा स्टोर्ड है तो आप वहां से डेटा को फैच कर सकते हैं, डेटा निकाल सकते हैं। उसके लिए आप कोई कमांड लिखते हैं, जैसे सेलेक्ट क्वेरी होती है, तो आप जो कमांड लिख रहे हैं उस कमांड को क्या बोल सकते हैं? क्वेरी। जरूरी नहीं है वहां से डेटा रिट्रीव करना, इसमें तो लिखा है रिट्रीव करना, अगर आप चाहें तो दोस्तों स्टोर करने के लिए इंसर्ट क्वेरी होती है, डेटा को देखने के लिए सेलेक्ट क्वेरी होती है, डेटा को डिलीट करने के लिए डिलीट क्वेरी है, डेटा में मॉडिफिकेशन के लिए आपके पास एक अपडेट क्वेरी है, बहुत सारी क्वेरीज आपके पास मैनिपुलेशन की होती है, DDL की अलग है, DML की अलग आपके पास क्वेरीज होती है। अ डेटाबेस क्वेरी इज यूजुअली रिटन इन SQL, यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में लिखी जाती है। अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ लैंग्वेज क्रिएटेड स्पेसिफिकली फॉर क्वेरीज, यानी कि SQL क्या है? एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ लैंग्वेज है जिसको यूज किया जाता है क्वेरी के लिए, यानी कि डेटाबेस के लिए अपन यूज करते हैं, कमांड टाइप करने के लिए इसको यूज किया जाता है। अ क्वेरी कैन बी आइदर अ सेलेक्ट क्वेरी और एन आपके पास एक्शन क्वेरी हो सकती है, जैसे इंसर्ट, अपडेट और डिलीट क्वेरी। इसी टाइप से अगर अपन देखें तो सेलेक्ट क्वेरी का मतलब क्या होगा? सेलेक्ट क्वेरी मीन्स जो डेटा को लेकर के आता है। सेलेक्ट क्वेरी रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस, क्या करता है? डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस, ठीक है, तो ये वहां से जो है वो डेटा को लाने का, किसी एक टेबल से, एक से ज्यादा टेबल से डेटा को फैच कर रहे, डेटा उठा करके लेके आ रहे, तो वो आपके पास क्या कहलाती है? सेलेक्ट क्वेरी कहती है। और इसी तरीके से एक्शन क्वेरी का मतलब क्या हो गया? जो डेटा में कोई चेंजेस करना है, मॉडिफिकेशन करना है, अपडेट करना है आपको, या कोई नया डेटा ऐड करना है, जिसको ऐड यानी कि इंसर्ट क्वेरी जिसको अपन कहते हैं, या आप ऐसी दूसरी टाइप की क्वेरीज लगाते हैं, वो सारी एक्शन क्वेरी होती है। इसी टाइप से एक नाम आता है दोस्तों मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन मतलब डेटाबेस जो है आपके पास में बन चुका है, डेटाबेस में टेबल भी बन गई है, अब इस टेबल के अंदर दोस्तों या तो नया रिकॉर्ड ऐड करना है, या पहले से जो लिखा हुआ है उसको आप मॉडिफाई कर रहे हैं, या लिखे हुए को डिलीट करना चाह रहे हैं, या उन टेबल्स के अंदर जो डेटा पड़ा है उसको आप फेच कर रहे हैं। तो चार टाइप की क्वेरी होती है दोस्तों, मैनिपुलेशन कहते हैं, सेलेक्ट क्वेरी, इंसर्ट क्वेरी, अपडेट क्वेरी और डिलीट क्वेरी। तो ये चारों डेटा मैनिपुलेशन में आती है। डेटा मैनिपुलेशन इज द रिजल्ट ऑफ एक्शन, ठीक है, जो एक्शन क्वेरी भी मैंने बताई थी पिछली स्लाइड में, ठीक है, वो सब आपके पास है। तो क्वेरी डिस्कस्ड एज अ पार्ट ऑफ क्वेरी, ठीक है, तो जो अपने एक्शन में बात करी वही सारी मैनिपुलेशन होती है, जो क्या करती है? इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और एक सेलेक्ट भी होती है, वो भी काम करती है। इसी टाइप से डेटाबेस इंजन, डेटाबेस इंजन का क्या मतलब होता है दोस्तों? वो सॉफ्टवेयर जो आपके डेटाबेस के अंदर कुछ काम करता है, टेबल को बनाने का काम, डेटाबेस को क्रिएट करने का काम, टेबल में डेटा को फेच करने का काम, वहाँ स्टोर करने का काम जो करता है, वो एक्चुअल में काम कौन करता है आपका? जो सॉफ्टवेयर, उस सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं अपन? इंजन। डेटाबेस को चलाने वाला जो सॉफ्टवेयर है बेसिकली, वो क्या कहलाता है? डेटाबेस इंजन कहलाता है। तो डेटाबेस इंजन इज द अंडरलेइंग सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, अ सेट ऑफ प्रोग्राम, एक टाइप का प्रोग्राम होता है, दैट DBMS user DBMS uses to create, read, update and delete data from a database. तो डेटाबेस में से क्रिएट कुछ करना है, रीड करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, ये सारे काम आपका इंजन करता है, ठीक है। द डेटाबेस इंजन हैज टू मेजर कंपोनेंट, दो टाइप के काम होते हैं, एक होता है स्टोरेज इंजन और दूसरा आपके पास होता है क्वेरी प्रोसेस। दोनों क्या है दोस्तों? सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर, स्टोरेज इंजन क्या करता है? राइट्स डेटा टू, है ना, एंड रिट्रीव डेटा, जो क्या करता है? डेटाबेस में डेटा को लिखता है या वहां से लेकर के आता है, डेटा को कह सकते हैं राइट करता है और डेटा को रिट्रीव करता है। मतलब आप कह सकते हैं एक इंसर्ट क्वेरी आपके पास होती है, एक आपके पास में सेलेक्ट क्वेरी होती है, तो ये क्या काम करते हैं दोस्तों? डिस्क पे जाकर के डेटा को लिखना और डेटा को रीड करने का काम स्टोरेज इंजन का काम होता है। जबकि एक होता है क्वेरी प्रोसेसर। क्वेरी प्रोसेसर क्या करता है? एक्सेप्ट, पार्स एंड एग्जीक्यूट SQL कमांड। जो आप SQL का कमांड लिख रहे हो, चाहे वो इंसर्ट करने के लिए लिख रहे हो, चाहे अपडेट करने के लिए लिख रहे हो, चाहे और किसी काम के लिए लिख रहे हो, तो उस क्वेरी को रन करवाने के लिए आपके पास जो सॉफ्टवेयर है वो आपके पास क्या कहलाता है? आपके पास क्वेरी प्रोसेसर, ठीक है। अब क्वेरी प्रोसेसर का जो रिजल्ट आता है वो आपके पास स्टोरेज इंजन का काम होता है। स्टोरेज इंजन क्या करता है? वहां से डेटा को लेके आता है, लेकिन लाने के लिए उसको क्वेरी प्रोसेसर कमांड भेजता है, ठीक है। तो कुल मिला के आपको सारे के सारे कीज अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी।
आए दोस्तों, सबसे पहले अपन एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ दो टेबल्स, एक अलग टेबल है दूसरी अलग टेबल है। एक टेबल में दोस्तों लिखा है रोल नंबर, नेम और एड्रेस, जिसमें कुछ नाम है लाइक अतुल, ठीक है, इसी टाइप से कुछ और नाम है अतुल, एक नाम है आरोही, एक नाम है अविनाश। अगर दोस्तों मैं आपसे ये कहता हूँ कि अच्छा बताइए अतुल जो है उसका एड्रेस क्या है, तो आप शायद कंफ्यूज हो जाएंगे, आप बोलेंगे अतुल का एड्रेस जोधपुर भी है, अतुल का एड्रेस जयपुर भी है। अब रोल नंबर वाइज देखें तो एक का रोल नंबर है 101 और एक का रोल नंबर है 102। इसका मतलब ये दोस्तों इस क्लास के अंदर दो अतुल है, एक जयपुर से है, एक जो अब कह सकते हैं जोधपुर से, एक का रोल नंबर 101 है, एक का 102 है। इसी टाइप से 103 और 104 पे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं। ओके, अगर अपन देखें दोस्तों पास में एक और टेबल आपको नीचे दिख रही, जिसमें अपन देख सकते हैं रोल नंबर 101 के हिंदी के मार्क्स, इंग्लिश के मार्क्स, मैथ के मार्क्स क्या है। अगर दोस्तों मैं आपको ये कहता हूँ अच्छा बताइए अविनाश जो है उसके हिंदी के मार्क्स क्या हैं, तो आप अविनाश के सामने उसका एक रोल नंबर देखेंगे 104, दूसरी टेबल में 104 देखेंगे, हिंदी में उसके 97 है, इंग्लिश में उसके 96 है और साथ में आप देखेंगे 95 मैथ में है। तो यहाँ आप क्या कर रहे हैं, दो अलग अलग टेबल्स के बीच में आपस में एक रिलेशन बना रहे हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। अब यहाँ मैं केवल दो टेबल बता रहा हूँ, हो सकता है दोस्तों दो डेटाबेस के बीच में भी अपन कई बार जो है वो रिलेशन मेंटेन रख सकते हैं। तो अपन इसी को, इन सभी टॉपिक्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं। दोस्तों रिलेशनल डेटाबेस जो मॉडल है अपने पास में, उसको प्रपोज किया था डॉक्टर E.F. कोड ने, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक मॉडल बनाया, तो इस मॉडल के अंदर बताया कि भाई इस तरीके से अगर अपन अपने डेटा को मेंटेन करें तो आसानी से अपन उसको मैनेज कर सकते हैं। इससे पहले क्या होता था दोस्तों, वैसे तो टेबुलर फॉर्मेट में अपन डेटा पहले भी स्टोर करके रखते थे, लेकिन रिलेशन आपस में कुछ नहीं होता था, मैनुअली आप करते थे लेकिन सॉफ्टवेयर के थ्रू नहीं कर सकते थे। या अपन ये कहें तो अपन पहले क्या करते थे दोस्तों, एक फाइल स्ट्रक्चर यूज करते थे, फाइल में अपन अपने डेटा को स्टोर करके रखते थे। तो इन्होंने जो अपने कह सकते एक मॉडल रखा सामने, सबके सामने, उसमें इन्होंने कुछ बातें कही, और वो क्या था उस उन जो उन्होंने टेबुलर फॉर्मेट बनाया उसको किस तरीके से अपन यूज करते हैं, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। इट यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशंस, ठीक है, टू रिप्रेजेंट ईच एंड एवरी फाइल। ये क्या कह रहे हैं, आपका जो भी जो फाइल्स हैं उन सभी का आपस में कोई रिलेशन होगा, तो इट यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशंस टू रिप्रेजेंट ईच एंड एवरी फाइल। रिलेशंस आर टू डायमेंशनल, ठीक है, टू डायमेंशनल टेबल आपके पास हो सकती है, 1D और 2D, तो ठीक है ये टू डायमेंशनल हो गया, मतलब रोज एंड कॉलम्स। इसी तरीके से अगर अपन देखें, इट इज ईजी टू इम्प्लीमेंट एंड ईजी टू सिंप्लीफिकेशन इन द ऑपरेशंस टू मैनिपुलेटिंग द डेटा। तो यहाँ आप आसानी से डेटा स्टोर कर सकते हो, आप आसानी से डेटा को डिलीट कर सकते हो, आप आसानी से डेटा को अपडेट कर सकते हो, अगर डेटा आपका एक टेबुलर फॉर्मेट में होता है तो। इसके साथ कह सकते हैं दिस इज द मोस्ट पॉपुलर डेटा मॉडल, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर डेटा मॉडल है। इट इज सिंपल टू इंप्लीमेंट, इसको बनाना बहुत ज्यादा सिंपल भी आपके पास होता है। इट यूजेस द प्राइमरी की एंड सेकेंडरी की टू कनेक्ट द टू फाइल्स, दो फाइल को कनेक्ट करने के लिए ये यहाँ पर प्राइमरी की या दूसरी जो कीज होती है सेकेंडरी की, उनको मेंटेन कर सकता है, उनको यूज करता है। जैसे अगर पिछले एग्जांपल में अपन बात करें तो दो अलग अलग फाइल थी, उसमें कॉमन क्या था आपके पास, दोनों का रोल नंबर, तो आप रोल नंबर के थ्रू एक टेबल और दूसरी टेबल के बीच में रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं, तो वो रोल नंबर यहाँ अपन क्या कह सकते हैं, प्राइमरी की है। इसी टाइप से रिलेशन डेटाबेस मॉडल में देखें, इन रिलेशनल डेटा मॉडल द डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू टेबल, तो आपका जो डेटा होता है वो टेबल के अंदर स्टोर होता है। दीज टेबल्स आर कॉल्ड रिलेशंस, वो टेबल्स जिनके आपस में लिंकिंग होती है, जिनके आपस में रिलेशन होती है, उन टेबल्स को भी अगर आप चाहें तो रिलेशंस कह सकते हैं। अ रो इन अ टेबल रिप्रेजेंट अ रिलेशनशिप अमंग अ सेट ऑफ वैल्यूज, ठीक है, तो आप उसके अंदर क्या करते हैं, एक रो होती है टेबल के अंदर जिसमें आप कुछ वैल्यूज स्टोर करके रखते हैं। जैसे आपने देखा था रोल नंबर 101 था, उसका एक नाम था, उसका एक एड्रेस था, उसके कुछ मार्क्स थे, ये सब जो चीज़ें हैं वो आपने स्टोर कर रखी कुछ रोज में। तो रोज क्या है, अ रोज इन अ टेबल रिप्रेजेंट्स अ रिलेशनशिप अमंग अ सेट ऑफ वैल्यूज, सिंस अ टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ सच रिलेशनशिप इट इज जनरली रेफर टू यूजिंग द मैथमेटिकल टर्म रिलेशंस। तो बिल्कुल जो मैथमेटिकल टर्म रिलेशंस है उसी तरीके से काम करती है, इसलिए अपन इस टेबल को भी रिलेशन कह सकते हैं। इसी टाइप से कह सकते हैं रो ऑफ रिलेशंस आर जनरली रेफर टू एज टपल, तो एक रो या रिकॉर्ड भी कह सकते हैं किसी टेबल में, जैसे 101 रोल नंबर का जो रिकॉर्ड था, ठीक है, उसको आप क्या कह सकते हैं, टपल कह सकते हैं, रोज भी कह सकते हैं आप। इसी तरीके से जो कॉलम है, जैसे कि आपने देखा था एक कह सकते हैं हिंदी, एक इंग्लिश, एक मैथ, ऐसे सब्जेक्ट वाइज एड्रेस,
या फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके पास में, कॉलम्स होते हैं। तो उन कॉलम्स को आप यहाँ पर एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं और फील्ड्स भी कह सकते हैं। इसी टाइप से अपन कह सकते हैं द रिलेशनल डेटा मॉडल इज बेस्ड ऑन अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स। इसमें क्या होती है दोस्तों, बहुत सारी टेबल्स अपने पास होती, कलेक्शन ऑफ टेबल्स होती है। द यूजर ऑफ द रिलेशंस, ठीक है, जो भी इस टेबल का, इस रिलेशन का जो टेबल या डेटाबेस का जो यूजर है, सिस्टम में क्वेरी दीज टेबल्स, इंसर्ट न्यू टपल, यानी कि वो उसके अंदर एक नया रिकॉर्ड ऐड कर सकता है, ठीक है, डिलीट कर सकता है किसी रिकॉर्ड को, या उसको अपडेट भी कर सकता है। जैसे अपन देख रहे थे, अपने जो भी एक टेबल डिस्कस कर रहे थे उसके अंदर सपोज एक नया रिकॉर्ड ऐड करना है तो, या किसी को डिलीट करना है तो, या किसी को किसी की वैल्यू चेंज करनी, किसी का एड्रेस चेंज करना, किसी के मार्क्स चेंज करने, तो वो आपका अपडेट कहलाता है। इसी टाइप से कह सकते हैं कि देर आर सेवरल लैंग्वेजेस फॉर एक्सप्रेसिंग दिस ऑपरेशंस, ठीक है, तो यहाँ आपके पास बहुत सारी लैंग्वेजेस हो सकती है जो कि डेटाबेस मॉडल को सपोर्ट करता है, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल को सपोर्ट करता है, ठीक है। टू सच लैंग्वेजेस आर रिलेशनल क्वेरी लैंग्वेजेस एंड रिलेशनल एल्जेब्रा। इसी तरीके से अगर अपन बात करें तो कह सकते हैं एग्जाम्पल ऑफ कॉमन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इंक्लूड्स कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं, तो ओरेकल डेटाबेस आपके पास एक नाम आता है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर आपके पास नाम आता है, माई एसक्यूएल एक नाम आता है, IBM DB2 आपके पास एक नाम आता है, IBX इन्फॉर्मिक्स आपके पास नाम आता है, सैप कह सकते हैं, सैप साइबेस आपके पास एक नाम आता है, ऐसे आपके पास में जो है वो सैप साइबेक्स IQ आपके पास नाम आता है, टेरा डेटा आपके पास नाम आता है, पोस्टग्री एसक्यूएल आता है, एसक्यूएल लाइट आता है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल से कोई भी दो तीन नाम आप इसमें से अच्छे से याद रख लीजिएगा। इसके बाद अगर अपन देखें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ DBMS, अलग अलग टाइप के डेटाबेस आपके पास होते हैं, मॉडल्स जो है वो आपके पास अलग अलग टाइप के हैं। कौन कौन से, सबसे पहले आता है दोस्तों रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, तो अपन ने बात कर रखी है RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके साथ साथ आपके पास हायरार्किकल भी आपके पास होती है, तो हायरार्किकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी होता है, एक नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी होता है, और साथ साथ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी आपको देखने को मिलता है। इसी टाइप से दोस्तों आप यहां पर एक इमेज देख पा रहे होंगे, इसके अंदर मैंने एक टेबल बना रखी है और टेबल के अंदर आप देखेंगे एक फील्ड का नाम लिख रखा है, जैसे स्टूडेंट नेम। इसके साथ साथ दोस्तों मैंने लिख रखा है सपोज कि यहाँ पर कुछ सपोज सर नेम है, फर्स्ट नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, ऐसे बहुत सारे फील्ड्स अपन यहाँ बना चुके हैं। तो दोस्तों इन फील्ड्स नेम जो लिखे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट आईडी, या आपके पास में फर्स्ट नेम, या ऐसे जो भी नाम आपके पास आते हैं, फोर नेम है, सर नेम है, लास्ट नेम है, तो ये सब क्या कहलाते हैं आपके पास, फील्ड्स या फिर कॉलम्स। इसी टाइप से दोस्तों एक रिकॉर्ड और रो, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं एक स्टूडेंट जो है उसका एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड होगा, जैसे स्टूडेंट आईडी 6473 का नाम क्या है, उसका सरनेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये कंप्लीट आपके पास क्या है, उसका एक रिकॉर्ड होता है। रिकॉर्ड कह सकते हैं, रोज कह सकते हैं, या आप इसको एक टपल भी कह सकते हैं। इसी टाइप से ये कंप्लीट आपके पास एक टेबल है, और टेबल के अंदर जो भी अलग अलग सेल्स हैं जहां कुछ लिखा है, जैसे 6788 है, या फिर अपन को किसी की डेट ऑफ बर्थ कह सकते हैं, किसी का सरनेम कह सकते हैं, फोर नेम कह सकते हैं, ये सब के आपके पास डेटा आइटम्स आपके पास होते हैं। इसी टाइप से कुछ कंपोनेंट ऑफ अ टेबल देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहला नाम आता है आपके पास में बाइट। बाइट क्या होता है आपके पास, अब बाइट इज अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स, मतलब बाइट का मतलब क्या हो गया, 8 बिट आपके पास होती है, उसको अपन बाइट कहते हैं। जनरली दोस्तों आपके पास एक जो कैरेक्टर होता है वो 8 बिट यानी कि 1 बाइट का होता है। अगर आप डेटाबेस में किसी का नाम लिख रहे, जैसे किसी का नाम ए है, बी, सी, डी, एक एक कैरेक्टर जो एक एक बाइट के आपके पास होते हैं। इसके बाद अगर अपन देखें तो दोस्तों अपने पास नाम आता है डेटा आइटम्स। डेटा आइटम्स का मतलब क्या हो गया, डेटा जो आइटम है, मतलब एक सेल के अंदर आपने क्या इन्फॉर्मेशन डाली, किसी का नाम, किसी का एड्रेस, किसी का फोन नंबर, वो वैल्यूज, उसको क्या बोलते हैं अपन, डेटा आइटम। उसके बाद आता है दोस्तों रो। रो कह सकते हैं, रिकॉर्ड और टपल कह सकते हैं, मतलब एक कंप्लीट रो आपके पास है, कंप्लीट यूनिट ऑफ इन्फॉर्मेशन। एक टेबल देख करके अगर आप एक स्टूडेंट का नाम, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी सब देख करके बता सकते हैं, तो वो आपने कंप्लीट उसका एक रिकॉर्ड उठाया, उसको रिकॉर्ड कह सकते हैं, टपल कह सकते हैं, या फिर रो भी कह सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों अगर आप वर्टिकल एरिया देखें, उसको आप कॉलम भी कह सकते हैं, फील्ड्स भी कह सकते हैं, और एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं। ठीक है, एक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, सभी के आधार कार्ड नंबर हो सकते हैं, सभी का ईमेल एड्रेस हो सकता है, सभी के फोन नंबर हो सकते हैं, सभी का नाम, वो सारी इंफॉर्मेशन। और टेबल क्या हो गया, टेबल इज अ फाइल दैट होल्ड्स ऑल द डेटा, एक फाइल जिसमें आपने सभी डेटा को स्टोर करके रखा है, उसको अपन क्या बोल सकते हैं, टेबल्स बोल सकते हैं। कुछ टर्म्स हैं दोस्तों जो आपके लिए थोड़े इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला एक नाम आता है रिलेशन। रिलेशन क्या हो गया, इन जनरल रिलेशन इज अ टेबल, कोई भी टेबल जिसके अंदर आप डेटा स्टोर करते हो। अगर दो टेबल का आपस के अंदर कोई रिलेशन है, मतलब कहीं कोई लिंकिंग है, तो आप उस टेबल को क्या बोल सकते हो, रिलेशन कह सकते हो, सिंपल सा है। ठीक है, डेटा अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स,
ठीक है, रिलेशन हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है आपको याद रखनी है, क्या है, इन एनी गिवन कॉलम ऑफ अ टेबल ऑल आइटम्स आर ऑफ द सेम काइंड वेयर एज आइटम इन डिफरेंट कॉलम में नॉट बी द सेम काइंड। मतलब आपके पास जो कह सकते हैं जो टेबल आपने बने उसके कॉलम के अंदर सेम टाइप का कंटेंट आपको स्टोर करना है जो भी फील्ड से, और साथ में ऑल आइटम्स आर ऑफ द सेम काइंड वेयर एज आइटम ऑफ डिफरेंट कॉलम, अलग अलग जो आपके पास में कॉलम्स हैं, अलग अलग जो आपके पास कॉलम के आइटम्स हैं, मे नॉट बी ऑफ द सेम काइंड, वो अलग अलग आपके पास होंगे। जैसे किसी के अंदर आपने आधार कार्ड नंबर लिखा है तो उन सब में आधार कार्ड ही होगा, ऐसा नहीं कि किसी दूसरे फील्ड में आपने आधार कार्ड नंबर लिख रखा है, ठीक है। तो एक पैटर्न अपने पास होता है, एक स्ट्रक्चर होता है कुल मिलाकर के, तो उस स्ट्रक्चर की जो कॉमन प्रॉपर्टीज है आप समझते हैं। अगर आप एक टेबल में डेटा स्टोर कर रहे हैं तो आप मतलब एक पेपर के ऊपर भी अगर आपने कोई टेबुलर फॉर्मेट का स्ट्रक्चर बनाया, किसी का नाम एड्रेस ये वो, तो उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज आपके माइंड में पहले से होती है कि भाई इसके अंदर सिर्फ नाम ही लिखेंगे, इसके अंदर सिर्फ अपन एड्रेस ही लिखेंगे, इसके अंदर सिर्फ अपन फोन नंबर ही लिखेंगे, वो सारी चीजें हैं। फॉर अ रो, रो के लिए क्या बोल रहा है, ईच कॉलम मस्ट हैव एन ऑटोमिक, यानी कि इंडिविजुअल वैल्यूज उसके अंदर स्टोर होती है, एंड ऑल्सो फॉर अ रो अ कॉलम कैन नॉट हैव मोर देन वन वैल्यू। तो एक रो के अंदर एक पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू आपको लिखनी, एक से ज्यादा कॉलम की वैल्यू, मतलब एक ही रो के अंदर एक ही कॉलम की भी आपके पास मल्टीपल वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, वो कॉमन सी बात है। इसी टाइप से दोस्तों यहां कह सकते हैं ऑल रोज ऑफ अ रिलेशन आर डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो ये आपको कुछ चीजें कहता है, दैट इज अ रिलेशन डज नॉट कंटेन टू रोज, मतलब एक रो के लिए ऑल रोज ऑफ रिलेशन आर डिस्टिंक्ट, दैट इज अ रिलेशन डज नॉट कंटेन टू रोज विच आर आइडेंटिकल इन एवरी कॉलम, ठीक है। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि जो आपकी रोज है वो आपके पास एक ही रो होगी और वो मतलब मल्टीपल वैल्यूज उसकी नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज है कॉमन है, तो ऐसे ही आपके पास 3, 4 और 5 यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज अपने पास है जो आप लोगों को देखना चाहिए। इसके बाद अगर अपन देखें तो अपने पास आता है डोमेन। डोमेन का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, आपके पास डोमेन इज अ डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल यूनिक वैल्यूज परमिटेड फॉर एन एट्रीब्यूट। अगर अपन यहाँ एक टेबल देखें तो जैसे सिंपल सी बात है दोस्तों, रोल नंबर, इसके अंदर अपन क्या लिख सकते हैं, 101 ही लिख सकते हैं, 102 ही लिख सकते हैं। स्टूडेंट नेम देखें तो वहां दोस्तों आप केवल स्टूडेंट का नाम ही लिख पाएंगे। स्टूडेंट डिपार्टमेंट में जैसे सिविल, सीएस, ऐसे अगर मैंने कुछ लिख रखा है तो आप यही वैल्यू डाल सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट के जेंडर में मेल और फीमेल, यही आप कुछ वैल्यूज डाल सकते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं ये जो है एक परमिशन देता है कि आप इस टाइप की वैल्यू या ये वैल्यू ही आप डाल सकते हैं। तो ये आपके पास क्या कहलाता है, डोमेन। जैसे अगर यहाँ पर देख रहे हैं आप, तो आपके पास एक फील्ड है, फील्ड कॉलम फॉर जेंडर में हैव द डोमेन मेल, फीमेल और अननोन। तो स्टूडेंट जेंडर में आप क्या डाल सकते हैं, मेल डाल सकते हैं, फीमेल डाल सकते हैं या अननोन डाल सकते हैं आप, इसके अलावा आप कुछ नहीं डाल सकते। इसी टाइप से, ठीक है, वेयर दोज 3 वैल्यूज आर द ओनली परमिटेड एंट्री इन द कॉलम। इसी टाइप से दोस्तों रोल नंबर में आप कोई नंबर ही डाल पाएंगे, कुछ और नहीं लिख सकते। स्टूडेंट नेम में आप केवल स्टूडेंट नेम ही लिख सकते हैं, उनका फोन नंबर वगैरह ये कुछ नहीं लिख सकते। तो ये क्या है, डोमेन है। मतलब क्या है आपके पास में, डोमेन इज अ डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल यूनिक वैल्यूज परमिटेड फॉर एन एट्रीब्यूट। इस एट्रीब्यूट में किस टाइप की वैल्यूज, कौन सी वैल्यूज आप डाल सकते हैं, वो आपके पास डोमेन कहलाता है। इसी टाइप से दोस्तों अपन कह सकते हैं कि यहाँ नेक्स्ट जो आपके पास है वो आता है टपल। टपल का मतलब क्या हो गया, अभी मैंने आपसे कहा था एक रो जो आपके पास होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, टपल। एक आता है एट्रीब्यूट, मतलब कॉलम आपके पास है। एक आता है दोस्तों डिग्री। डिग्री का मतलब क्या हो जाता है, द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट, मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं आपके पास डिग्री। और ऐसे ही दोस्तों कॉर्डिनलिटी आपके पास होती है, मतलब नंबर ऑफ रोज कितनी है उसके पास। जैसे अगर आप एक एग्जांपल को देख रहे हैं तो दोस्तों नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, तो दोस्तों आपके पास है रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट डिपार्टमेंट और स्टूडेंट जेंडर। तो ये है 4 आपके पास अलग अलग कॉलम्स, यानी 4 एट्रीब्यूट, इसको क्या बोलेंगे, 4 डिग्री है। इसी टाइप से नंबर ऑफ रोज कितनी है दोस्तों, 2 रोज है, यानी कि विनय और अंकिता, रोल नंबर आपके पास 101, रोल नंबर 102। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, आपके पास कॉर्डिनलिटी आपके पास हो जाएगी, ठीक है। इसी टाइप से इसके अंदर टपल देखें तो 101 का नाम क्या है, उसके स्टूडेंट डिपार्टमेंट क्या है, उसका जेंडर क्या है, ये अगर अपन कंप्लीट रो देखें तो वो आपके पास क्या कहलाता है, टपल। और इसी टाइप से स्टूडेंट डिपार्टमेंट में कौन कौन से डिपार्टमेंट अलॉट करे हुए हैं, एक सिविल है और एक सीएस है, तो ये आपके पास क्या कहलाता है, एक एट्रीब्यूट। मतलब कॉलम, रो, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम, ये 4 चीजें दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सिंपल भी है। उसके बाद बात करते हैं कीज। देखिए कीज भी दोस्तों आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है।
सबसे पहले अपन बात करते हैं की जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अ की प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन अ रिलेशनल डेटाबेस। क्या है? इट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग यूनिक रिकॉर्ड्स। जैसे आप जो देख रहे थे अभी पिछले टेबल के अंदर रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4, उनका नाम, एड्रेस, ये वो, तो वो सब उठाते कैसे हैं आप? अगर डेटाबेस के बारे में बात करें तो लाखों करोड़ों यूजर दोस्तों फेसबुक के पास पड़े हैं, उनका डेटा अपन कैसे उठा करके लेके आते हैं? यूट्यूब पे कितने सारे वीडियो है, कौन सा वीडियो आप देखना चाह रहे हैं, वो डेटा कहाँ से अपन उठा के लाते हैं? किसी टेबल के अंदर से। तो उन टेबल के अंदर जो है कहीं आपके पास प्राइमरी की होती है, कहीं फॉरेन की होती है, कहीं अल्टरनेट की होती है, ठीक है, ऐसी बहुत सारी अलग अलग टाइप की कीज होती है। तो कह सकते हैं इट ऑल्सो एस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप अमंग द टेबल्स, जो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप भी बनाती है। रिलेशनशिप्स आर लिंक्स दैट एसोसिएट अ फील्ड ऑफ वन टेबल विद द फील्ड इन अनदर टेबल। तो दो अलग अलग टेबल्स हैं, उनमें अलग अलग फील्ड्स की जो वैल्यूज या कह सकते हैं फील्ड्स जो हैं, जैसे एक टेबल के अंदर आपने देखा था रोल नंबर था, दूसरे में भी रोल नंबर था, एक में रोल नंबर नेम और एड्रेस था जबकि दूसरे में रोल नंबर हिंदी इंग्लिश मैथ था। तो आप दो टेबल के बीच में जो रिलेशन बना रहे हो, ठीक है, जिसके थ्रू आप डेटा लेकर के आते हो, तो यहाँ पर एक की जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कीज आपके पास अलग अलग टाइप की होती है, जैसे आपके पास दोस्तों प्राइमरी की है, कैंडिडेट की भी आपके पास होती है, अल्टरनेट की आपके पास होती है, फॉरेन की आपके पास होती है और कंपोजिट प्राइमरी की होती है। तो इन सभी को अपन एक एक करके डिस्कस करते हैं एग्जांपल्स के साथ। सबसे पहले दोस्तों आप यहां पर एक टेबल देख सकते हैं जिसके अंदर एक रोल नंबर है 101, 102, 103, 104। अब अगर अपन नाम देखें तो दोस्तों नाम रिपीट हो सकते हैं, जैसे आप देख रहे होंगे अतुल जो नाम है वो दो लोगों के नाम है, हिंदी के मार्क्स 97 दो लोगों के हैं, इंग्लिश के मार्क्स 98 फिर ये दो लोगों के, मैथ में 100 मार्क्स भी दो लोगों के हैं। तो आपके पास ये ध्यान रखना है कि ऐसा कौन सा फील्ड है जो अपनी वैल्यूज को यूनिक रखता है, मतलब जिसके थ्रू आप यहाँ पर जो है पूरे रिकॉर्ड को फैच कर सकते हैं। जैसे आपके स्कूल में अगर देखें तो दोस्तों आपको एक स्कॉलर नंबर मिलता है, ठीक है। इसी टाइप से अगर अपन आधार कार्ड नंबर देखें तो वो भी आपके पास एक यूनिक है, इसी टाइप से पासपोर्ट नंबर आपके पास है, इसी टाइप से ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है, तो ये सब क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। तो आप उनको बना सकते हैं एज अ प्राइमरी की, जिसके थ्रू उस पर्टिकुलर नंबर के थ्रू, उस पर्टिकुलर आईडी के थ्रू आप पूरे डेटाबेस के अंदर से एक एक रिकॉर्ड, एक जो रो है उसका डेटा आप आराम से फैच कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन, प्राइमरी की। लेकिन दोस्तों प्राइमरी की जो अपन बात कर रहे हैं तो इसके अंदर आपको कुछ इनकी जो मेन रूल्स हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। वो ये है कि एक तो प्राइमरी की जिसको आप बनाते हैं उसमें वैल्यू कभी भी एम्प्टी नहीं रहेगी, मतलब ब्लैंक नहीं रह सकता, और दूसरा दोस्तों वैल्यू कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकती, डुप्लीकेसी उसमें नहीं हो सकती है। तो प्राइमरी की क्या है, प्राइमरी की इज अ फील्ड दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल, इट डज नॉट कंटेन एनी डुप्लीकेट डेटा, अ टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की। एक टेबल में केवल एक ही प्राइमरी की आपके पास होगी जिसमें डेटा की डुप्लीकेसी नहीं होती है। प्राइमरी की जो आपके पास फील्ड है शुड बी यूनिक, एक तो यूनिक होना चाहिए, और उसके अलावा क्या है, फील्ड कैन नॉट बी नल, वो नल भी नहीं होना चाहिए। एवरी रो मस्ट हैव अ वैल्यू, हर रो के अंदर जिसको आप प्राइमरी की बना रहे हो उस फील्ड के अंदर एटलीस्ट वैल्यू होनी ही होनी चाहिए और यूनिक भी होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपके पास अगर दो टेबल के बीच में रिलेशंस हैं तो आप अपने प्राइमरी की जो वैल्यूज हैं, ठीक है, उनको आप अपडेट भी नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते। रीजन क्या है, अगर एक साइड से डिलीट करेंगे तो दूसरी टेबल के अंदर वो फिर चेंजेस होना मुश्किल है, तो इसलिए वो यहाँ आपको रोकता भी है। द वैल्यू ऑफ अ प्राइमरी की फील्ड्स कैन नेवर बी मॉडिफाइड और अपडेटेड इफ एनी फॉरेन की, यानी कि जो दूसरी टेबल के बारे में बात कर रहे हैं, एनी फॉरेन की रेफर्स टू दैट प्राइमरी की। तो दूसरी टेबल के अंदर जो कोई की है और इस वाली टेबल की प्राइमरी की के साथ अगर उनकी कोई लिंकिंग है तो आप उसको फिर मॉडिफाई नहीं कर सकते। इसी टाइप से अब अपन बात करते हैं कंपोजिट की। कंपोजिट की का एग्जांपल देख लीजिए दोस्तों, एक टेबल है आपके पास स्टूडेंट आईडी, अलग अलग आईडी है, यूनिट कोड अगर अपन देखें वो भी सबके अलग अलग है, तो आप प्राइमरी की किसको बनाएंगे, स्टूडेंट आईडी को बनाएंगे या यूनिट कोड को, आपके ऊपर है, दोनों में से किसी को भी आप बना सकते हैं। तो अपन जनरली किसको बनाएंगे, स्टूडेंट आईडी को, लेकिन यहाँ पर दो ऐसी कीज है जिसके थ्रू आप डेटा को आराम से फैच कर पा रहे हैं। तो अपन क्या देख सकते हैं, अ कंपोजिट की और कंपोजिट प्राइमरी की रेफर्स टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड इन अ टेबल, इट मे बी कैंडिडेट की और प्राइमरी की। तो ये आपके पास कैंडिडेट की या
प्राइमरी की भी हो सकती है, ऐसी कोई भी कीज जिसके थ्रू आप डेटा को आसानी से फेच कर पा रहे हैं, तो उसको आप क्या बोल सकते हैं, कंपोजिट की। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कैंडिडेट की। जैसे यहाँ अपन वही देख रहे हैं, एक रोल नंबर है और एक फ़ोन नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें भी अपन क्या देख रहे हैं कि दोनों में से आप किसी के थ्रू भी डेटा को एक्सेस कर पा रहे हैं, तो ये आपके पास क्या कहलाता है, कैंडिडेट की, जिसके थ्रू आप डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। टेबल माइट हैव वन और मोर फील्ड्स दैट मे यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड, जिसमें कि आप रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सच फील्ड्स आर कॉल्ड कैंडिडेट कीज एज दे आर एलिजिबल टू बिकम अ प्राइमरी की। मतलब इसमें आप दोनों में से किसी को भी प्राइमरी की बना सकते हैं, तो यहाँ पर ठीक है, दस अ टेबल कैन हैव मोर देन वन कैंडिडेट की, तो यहाँ आप एक से ज़्यादा कैंडिडेट की को बना पा रहे हैं। इसी टाइप से अल्टरनेट की क्या हो गई, अल्टरनेट की का मतलब हो गया इन केस ऑफ टू और मोर कैंडिडेट कीज, अगर एक से ज़्यादा आपके पास कैंडिडेट कीज होती है, ओनली वन ऑफ देम सर्व एज द प्राइमरी की। तो यहाँ अगर अपन देखें तो बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हो सकते हैं आपके टेबल के अंदर जो जिसमें आप कह सकते हैं कि ये सारे के सारे कैंडिडेट की बनने के लायक हो। तो कह सकते हैं इन केस ऑफ टू और मोर कैंडिडेट कीज ओनली वन ऑफ देम सर्व एज द प्राइमरी की, द रेस्ट ऑफ देम आर अल्टरनेट की। तो बाकी जो बची हुई है उन सबको अपन क्या बोल सकते हैं, अल्टरनेट की बोल सकते हैं। इसी टाइप से फॉरेन की आता है। फॉरेन की का मतलब क्या है दोस्तों, दो टेबल्स हैं उनके बीच में आपको लिंकिंग करनी, तो एक टेबल के अंदर का एक फील्ड वही फील्ड दूसरी टेबल के अंदर भी अगर आपके पास होता है तो क्या बोलते हैं अपन उसको, फॉरेन की। अब फॉरेन की इज अ फील्ड और सेट ऑफ फील्ड्स दैट इज यूज्ड टू एस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन द टू टेबल्स, दो टेबल के बीच में रिलेशन बनाने के लिए अपन इसको यूज करते हैं। इन अदर वर्ड्स इट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर फील्ड्स, ठीक है। तो ये क्या कर सकता है, एक से ज्यादा फील्ड्स अपन कह सकते हैं, हुज वैल्यू मैचेस विद द प्राइमरी की इन अनदर टेबल। तो दूसरी टेबल आपके पास है उसके अंदर आपके पास एक कॉलम है, इस वाले टेबल में भी आपके पास वही नाम का एक कॉलम है, आपस में उसकी लिंकिंग कराने तो आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन देखते हैं एक एग्जांपल जिसमें रोल नंबर दो अलग अलग टेबल्स के बीच में है, उसमें भी रोल नंबर है, इसमें भी रोल नंबर है। तो एक टेबल के अंदर ये प्राइमरी की हो जाएगी और दूसरे के अंदर अगर अपन बात करें जिसके थ्रू डेटा आ रहा है तो अपन क्या बोलेंगे, वो एक फॉरेन की है। फॉरेन की जो है वो ये भी हो सकता है दूसरे वाले टेबल के अंदर प्राइमरी की हो तो चलेगा, नहीं है तो भी आप यूज कर सकते हो, सकता है दूसरी टेबल के अंदर भी आपके पास ऐसा कोई कॉलम हो, ठीक है, जो कि प्राइमरी की हो, और एक उसके अंदर ऐसा फील्ड भी जो कि अपनी सेकेंड वाली के अंदर जो प्राइमरी उससे मैच कर रहा हो, तो आप इसको क्या बोलते हो, दूसरे वाले को फॉरेन की, ठीक है। इसी टाइप से रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के बारे में बात करते हैं। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या है, आ रही, ये आपके पास एक रूल होता है, इज अ रूल इन RDBMS। क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट अ फॉरेन की मस्ट हैव अ मैचिंग प्राइमरी की। अगर आपके पास कोई फॉरेन की है तो उसके मैच में आपके पास प्राइमरी की होगी ही होगी, ताकि उसके बीच में लिंकिंग हो सके, ठीक है। साथ में क्या बोल रहा है, आप उसको जो है वो कह सकते हैं कि ऑल इट्स रेफरेंस मस्ट बी वैलिड एंड द यूजर कैन नॉट एक्सीडेंटली डिलीट और अमेंड द डेटा। आप उसमें नया डेटा ऐड नहीं कर सकते, आप उसमें कोई रिकॉर्ड को डिलीट नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने प्राइमरी के टाइम भी कहा था कि अगर आप दो टेबल्स के बीच में रिलेशन बना रहे, फॉरेन की वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, दो टेबल के बीच में रिलेशंस भी है, तो आप उसमें नया डेटा जो है वो डिलीट नहीं कर सकते हैं, है ना। एक डेटा को आप डिलीट नहीं कर सकते, आप उसको अपडेट नहीं कर सकते। इट एंश्योर द एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटा विद इन अ रिलेशनशिप, ठीक है। इसके साथ साथ अगर अपन देखें तो आपके पास एक और पॉइंट आता है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी डज नॉट अलाउ यू टू एंटर अ न्यू रिकॉर्ड इन द चाइल्ड टेबल। तो आप यहाँ पर नया डेटा ऐड नहीं कर सकते, वही वाली बात आपके पास वापस आ रही है, ठीक है। एक में आप जो अगर आप ऐड करेंगे तो दूसरे वाले टेबल में तो वो रिकॉर्ड है ही नहीं, मैच होगा नहीं, तो कहीं ना कहीं मिसबैलेंस आपके पास हो जाता है, ठीक है। हाउएवर इफ यू मेक एनी चेंजेस इन द प्राइमरी की फील्ड वैल्यू द सेम मस्ट बी अप्लाइड इन द फॉरेन की वैल्यू। अगर आपने एक टेबल में चेंज करना ही करना है तो दूसरी वाली में भी जाके आप चेंज करना पड़ेगा, तभी उनके बीच में रिलेशनशिप मेंटेन रहेगी, अदरवाइज इशू आपके सामने होते जाएंगे। हाँ, आप देख रहे हैं दोस्तों आपके पास एक लोगो आपको दिख रहा होगा MySQL का। अब ये लोगो आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि आगे हम लोग इसी सॉफ्टवेयर को यूज करने वाले हैं, MySQL को। अब देखिए दोस्तों, MySQL है क्या, MySQL को डेवलप कैसे किया गया है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि MySQL जो है वो आपके पास एकदम फ्रीली अवेलेबल है। मतलब आप वेबसाइट पे जाएंगे www.mysql.org पे, जिसका लिंक आपको दिख भी रहा है, तो आप इस लिंक पे जाएंगे दोस्तों, वहां से आप इसको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है आपको, तो आप बिल्कुल फ्री में इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों ये जो सॉफ्टवेयर मिलता है आपको MySQL का, ये आपके पास
होता है एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स का मतलब क्या, यानी कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको जब आप डाउनलोड करते हैं तो सॉफ्टवेयर के साथ साथ उसकी जो कोडिंग है, उसकी जो प्रोग्रामिंग है, वो भी आपको साथ में यहां पर मिल जाती है। तो दोस्तों फ्रीली अवेलेबल है। इसके साथ साथ ओपन सोर्स ये एक RDBMS है, यानी कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा सिस्टम है जिसके साथ हम लोग रिलेशनल डेटाबेस को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो RDBMS की फुल फॉर्म आई होप दोस्तों आप बहुत अच्छे से जानते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये जो है इसको हम लोग क्यों यूज करते हैं दोस्तों, जिससे कि हम लोग अपने डेटाबेस को, अपने डेटा को, अपने इंफॉर्मेशन को अच्छे से मैनेज कर ले। तो दोस्तों ये जो MySQL है वो खुद किसको यूज करता है, SQL को, यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को ये यूज करता है। आई होप दोस्तों ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि अ सिंगल MySQL डेटाबेस कैन कंटेन मैनी टेबल्स, यानी कि ये जो आप MySQL सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे दोस्तों, इसको यूज करते हुए आप बहुत सारे डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं और उन डेटाबेस के अंदर भी दोस्तों बहुत सारी टेबल्स को भी हम लोग आसानी से मैनेज कर सकते हैं। तो यही कुछ है कि अ सिंगल MySQL डेटाबेस, एक डेटाबेस के अंदर भी दोस्तों आप बहुत सारे टेबल्स को जो है वो बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, एट वन एंड वंस एंड स्टोर थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स। तो आप यहां पर हजारों, लाखों, मैं कहूंगा करोड़ों नहीं, अरबों की संख्या में आप यहां पर उन सभी को मैनेज कर सकते हैं। तो आगे अपन डिस्कस करेंगे कि एक डेटाबेस जो है, यानी कि एक MySQL सॉफ्टवेयर कितने सारे डेटाबेस को मैनेज कर सकता है, उस एक डेटाबेस में कितनी सारी टेबल्स को मैनेज कर सकता है, सारी बातें आगे करेंगे। इसी तरीके से दोस्तों हम लोग कह सकते हैं MySQL इज अ फास्ट, ये एक बहुत फास्ट लैंग्वेज है। इसके साथ साथ आप इसके ऊपर पूरा भरोसा कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों स्केलेबल है, अल्टरनेटिव टू मैनी ऑफ द कमर्शियल RDBMS अवेलेबल टूडे। तो आज जितने भी RDBMS सॉफ्टवेयर है कमर्शियल, यानी कि जो जिसके लिए आपको पे करना पड़ता है, उनका एक अल्टरनेट आपके सामने एक ऑप्शन अवेलेबल है, बिल्कुल फ्री अवेलेबल है, आपको कोई पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं। और मैं आपसे कहूंगा दोस्तों बहुत बेस्ट है, यानी कि जो आज के जमाने में अगर अपन बात करें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, वो सारी की सारी लैंग्वेजेस दोस्तों MySQL बेस्ड है, MySQL सपोर्टेड है। तो MySQL जो है वो बहुत ईजी अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में आप यहाँ पर उसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो MySQL जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। अब MySQL को दोस्तों डेवलप किसने किया, तो आप यहाँ एक इमेज देख रहे होंगे दोस्तों, ये इमेज आखिर है किसकी, तो इनके बारे में अपन बात करते हैं। MySQL was created and is supported by MySQL AB. MySQL AB एक कंपनी है जो स्वीडन की एक कंपनी है और इनकी जो वेबसाइट है वो है www.mysql.com। ठीक है, यहां पर जो है क्योंकि इन्होंने जो कंपनी बनाई MySQL AB, ठीक है, ये बनाई किसने, तो इनके बारे में बात करेंगे दोस्तों। ये जो कंपनी बनाई गई है, दिस कंपनी इज नाउ अ सब्सिडियरी ऑफ सन माइक्रोसिस्टम। सन माइक्रोसिस्टम एक कंपनी है, आपने शायद नाम सुन रखा है दोस्तों, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, ठीक है, अभी भी है लैंग्वेज वैसे। तो जावा जो है वो सन माइक्रोसिस्टम ने बनाई थी। उसी के साथ अपन बात करें, सन माइक्रोसिस्टम की एक सब्सिडियरी कंपनी है अपने पास में MySQL AB, ठीक है। हालांकि आज के टाइम पर दोस्तों ये जो सन माइक्रोसिस्टम है इसको फिर परचेज कर लिया गया है ओरेकल कंपनी के थ्रू। तो ऑन अप्रैल 2009 ओरेकल कॉर्पोरेशन ने जो है वो सन माइक्रोसिस्टम को एक्वायर कर लिया है। तो जैसे जावा अपन बात कर सकते हैं, वैसे ही अपने पास MySQL भी जो है वो आज के टाइम पे ओरेकल कंपनी के अंडर में आता है। इसके अलावा बात करेंगे, ये जो MySQL है इसको डेवलप किसने किया, MySQL के जो इन्वेंटर है उनका नाम है दोस्तों माइकल वाइडनस, ठीक है। तो इन्होंने, जिनको अपन AKA मॉन्टी भी कहते हैं, तो इन्होंने जो है वो MySQL को डेवलप किया। अब देखिए SQL तो आपको समझ में आ गया, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब ये माय क्या है, माय क्या है दोस्तों, तो अपन कह सकते हैं MySQL हैज बीन नेम्ड आफ्टर मॉन्टीज डॉटर माय, यानी कि जो मॉन्टी है, मॉन्टीज की जो बेटी है, ठीक है, उनका क्या नाम था दोस्तों, माय। और उस माय के नाम पर अपन ने यहां पर MySQL इसको बोलना शुरू किया। तो फाइनली ये जो नाम है MySQL वो है क्या, माय के नाम पर SQL को यूज करते हुए एक जो सॉफ्टवेयर बनाया उसका नाम ही क्या रख दिया गया दोस्तों, MySQL। ओके, इसके अलावा बात करेंगे, इस जब आप इसके लोगो को देखते हैं दोस्तों, तो लोगो आपके पास क्या, एक टाइप के इसमें आप देख रहे होंगे MySQL लिखा हुआ है और साथ में एक डॉल्फिन है। तो बोल रहे हैं डॉल्फिन जो है इसका नाम है अपने पास सकीला, ठीक है। तो ये जो सकीला है एक डॉल्फिन है, इसको लोगों में यूज किया गया है। माय इनकी बेटी का नाम था, ठीक है, सिंपल सी बातें हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों MySQL डेटाबेस के सिस्टम को लेकर के। MySQL डेटाबेस सिस्टम में हम लोग बात करेंगे कि MySQL डेटाबेस सिस्टम रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ अ MySQL सर्वर इंस्टांस एंड अ
MySQL डेटाबेस। यहां पर क्या है दोस्तों, आपके पास में एक सर्वर भी है MySQL सर्वर, और साथ में इस सर्वर के ऊपर आप अपने डेटाबेस को मैनेज भी कर सकते हैं। तो MySQL जो है वो सर्वर और डेटाबेस दोनों की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। इसी के साथ साथ अपन यहां पर बात करेंगे MySQL ऑपरेट्स यूजिंग क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। अब क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है, आप लोग जानते हैं दोस्तों। यहां पर हम बात कर सकते हैं सर्वर, सर्वर यानी एक ऐसा कंप्यूटर जो अपन जिससे सर्विस लेते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं, अगर आप ये वीडियो दोस्तों YouTube पे देख रहे हैं, तो हो क्या रहा है, आप YouTube को रिक्वेस्ट कर रहे थे तो उसने वहां से कुछ वीडियो आप तक पहुंचाया। लाइक अगर आप Facebook, Instagram, Google कुछ भी अगर आप चलाते हैं तो दोस्तों आप सर्वर के साथ कनेक्ट होते हैं, और आपका जो कंप्यूटर है, आपका जो मोबाइल है, आपका जो भी डिवाइस जो उस सर्वर के साथ कनेक्ट होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, क्लाइंट बोलते हैं। तो MySQL ऑपरेट्स यूजिंग क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इन विच द सर्वर रन्स ऑन द मशीन कंटेनिंग द डेटाबेस एंड क्लाइंट कंटेंट ऑन द सर्वर ओवर अ नेटवर्क, ठीक है। तो यहां पर आपके पास क्या कह सकते हैं हम लोग कि एक मशीन है आपके पास, जिस मशीन में हम लोगों ने सर्वर इस्टेब्लिश कर रखा है, सारा डेटा अपने पास डेटाबेस के अंदर उस सर्वर के ऊपर स्टोर है, और दूसरे क्लाइंट्स जो है उस डेटाबेस से अपने डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको रिट्रीव कर सकते हैं। इसी के साथ अपन बात करेंगे MySQL इज अ मल्टी यूजर डेटाबेस सिस्टम। ऑब्वियस है दोस्तों, क्योंकि ये सर्वर बेस्ड फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करवाता है, तो सर्वर से आप एक से ज्यादा लोग ही कनेक्ट करते हैं। तो ये क्या कह सकते हैं हम लोग यहाँ पर कि MySQL इज अ मल्टी यूजर डेटाबेस सिस्टम, मीनिंग सेवरल यूजर्स कैन एक्सेस द डेटाबेस, ठीक है। तो एक साथ में जो है वो बहुत सारे यूजर्स उसको एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों सर्वर क्या होता है। MySQL सर्वर लिसन्स फॉर क्लाइंट्स रिक्वेस्ट। तो क्लाइंट जो रिक्वेस्ट करता है उसको सुनता कौन है, उस रिक्वेस्ट को देखता कौन है, सर्वर। और इसी तरीके से अपन बात करेंगे क्लाइंट क्या हो गया, क्लाइंट्स आर प्रोग्राम दैट कनेक्ट टू द डेटाबेस सर्वर एंड इश्यूज क्वेरी इन अ प्री स्पेसिफाइड फॉर्मेट। तो उसका जो पहले से एक फॉर्मेट बताया गया है, उस फॉर्मेट को यूज करते हुए, जैसे इंसर्ट क्वेरी है, अपडेट क्वेरी है, डिलीट क्वेरी है, सेलेक्ट क्वेरी है, यानी उनका एक पर्टिकुलर एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को यूज करते हुए अपन क्या कर सकते हैं, एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं आपसे कहता हूं दोस्तों, आप अगर अपन फेसबुक को यूज करते हैं, ठीक है, तो फेसबुक में क्या अपन उसके क्या है, एक टाइप के क्लाइंट है। अपन वहां पर क्या करेंगे, कुछ मैसेज वगैरह अपन टाइप करते हैं, तो होता क्या है, उस डेटाबेस के अंदर स्टोर होता है, या वहां से आप डेटा को रिट्रीव करते हैं। लेकिन जनरली अगर अपन बात करते, जब अपन MySQL को यूज करेंगे, तो MySQL में क्या होती है, क्वेरी होती है। अगर इंसर्ट करवाना है तो इंसर्ट इनटू क्वेरी लिखनी पड़ती है, सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम समथिंग एक क्वेरी आपको मिल जाएगी, अपडेट करना है तो अपडेट की क्वेरी है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी क्वेरीज अपन यूज करते हैं, जिसके लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मेट अपने पास होता है, उसको हम लोग यूज करते हैं। इसी तरीके से अपन बात करेंगे दोस्तों की फीचर्स ऑफ MySQL, आखिर इसके की फीचर्स क्या है। सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ MySQL आर क्या क्या है दोस्तों। सबसे पहले तो स्पीड, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि बहुत फास्टेस्ट आपके पास में कह सकते हैं MySQL का जो प्रोग्राम है, जो उसका सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ये एक बहुत फास्ट तरीके से डेटाबेस में से डेटा को फैच करके अपन को देता है, और इसी वजह से अपन इसको आज यूज भी कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग आज इसको पढ़ भी रहे हैं, क्योंकि ये बहुत कम टाइम लगाता है डेटाबेस में डेटा को स्टोर करने के लिए, या वहां से डेटा को फेच करने के लिए, या दूसरे जो भी ऑपरेशन है वो बहुत फास्ट करता है। इसी तरीके से अपन बात करेंगे इजी टू यूज, क्योंकि दोस्तों जैसे SQL की क्वेरीज है, ऑलमोस्ट वैसी ही क्वेरी अपन MySQL को भी यूज में लेते हैं, जब वैसी ही ऑलमोस्ट वैसी ही क्वेरीज को अपन यहां पर भी अप्लाई करते हैं। दोस्तों MySQL को यूज करना बहुत ज्यादा अपने लिए इजी हो जाता है। आप इसको अलग अलग फॉर्मेट में भी यूज कर सकते हैं, लाइक आप MySQL को चाहें तो आप कमांड लाइन में भी यूज कर सकते हैं, और चाहें तो ग्राफिकल यूजर फॉर्मेट भी आपको मिलता है, उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से कॉस्ट के बारे में बात करें दोस्तों, जैसा मैं कह रहा था फ्रीली अवेलेबल है, तो ऑब्वियस है दोस्तों ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि ये बिल्कुल फ्री आपको अवेलेबल हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों क्वेरी लैंग्वेज सपोर्ट आपको मिलता है, कि अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आपको नहीं समझ में आया है, तो आपको दोस्तों यहाँ पर हेल्प का ऑप्शन भी मिलता है। आप पर्टिकुलर किसी क्वेरी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन को फेच कर सकते हैं, या आपको वैसा सपोर्ट भी मिलता है। लाइक ये काम करने के लिए आप ये जो क्वेरी लगा रहे हैं, उसका कमांड किस तरीके से लिखना, उसका फॉर्मेट क्या रहेगा, वो सारी हेल्प भी आपको यहाँ मिलती है। उसके अलावा पोर्टेबिलिटीज हैं, आप इसको अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे, अलग अलग डिवाइसेस पे भी आप इसको रन कर सकते हैं, या एक डिवाइस पे रन कर देने के बाद उस डेटा को आप दूसरे सिस्टम के ऊपर भी चाहें तो लेकर के जा सकते हैं, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो फीचर्स अपने पास होता है उसको यूज करते हुए। इसके अलावा
डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स अपने पास है वो सारे डेटा टाइप यहाँ पर यूज किए जाते हैं। इसके साथ साथ सिक्योरिटी के बारे में हम बात कर सकते हैं, बिल्कुल यहाँ सिक्योरिटी टाइट रहती है, कोई भी आपके डेटाबेस को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता है। इसके लिए हम लोग यहाँ सिक्योरिटी में सिर्फ यूजर नेम पासवर्ड की बात नहीं करें, यहाँ पर हम लोग बात करें कि आपके यूजर्स जो हैं उनके अकॉर्डिंग भी अपन सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे दोस्तों मैं अगर आपसे कहता हूँ कि एक बैंक के अंदर अगर अपन बात कर रहे थे, जैसे पिछले एग्जाम्पल में मैंने आपको कहा था कि एक बैंक के अंदर अगर अपन अपने रिकॉर्ड को देखना चाहते हैं, लाइक अगर आप चाहते हैं कि आपके अकाउंट की डिटेल लेना है तो आप आसानी से ले सकते हैं, दूसरों की नहीं। लेकिन एक मैनेजर चाहे तो अपनी बैंक में जितने भी लोग हैं उन सभी की इंफॉर्मेशन को फेच कर सकता है। इसका मतलब क्या हो गया कि आपको एक अलग व्यू मिला है, उनको एक अलग व्यू मिला है, आप लिमिटेड डेटा एक्सेस कर सकते हैं, वो उससे ज्यादा डेटा एक्सेस कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर लेवल के बारे में बात करते हैं दोस्तों या डेवलपर लेवल पे बात करें तो वहां पर वो लोग और भी ज्यादा डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहां सिक्योरिटी मिलती है कि हमारा डेटा बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर रहेगा, लिमिटेड लोग या लिमिटेड पर्सन जो कह सकते हैं, जो यूजर्स हैं इस डेटाबेस को एक्सेस करने वाले, वो अलग अलग यूजर्स के अकॉर्डिंग इस डेटा को एक्सेस कर सके। इसके साथ साथ दोस्तों अपन बात करेंगे स्केलेबिलिटी को लेकर के एंड लिमिट्स को लेकर के। तो करीब कह सकते हैं दोस्तों 50 मिलियंस रिकॉर्ड्स आप यहां पर जो है वो स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से 60,000 से ज्यादा टेबल्स आप यहां पर दोस्तों क्रिएट कर सकते हैं। इतने सारे 50 मिलियन रोज जो है आप यहां पर मैनेज कर सकते हैं MySQL के थ्रू। इसी तरीके से दोस्तों कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो क्लाइंट कैन कनेक्ट टू MySQL सर्वर यूजिंग सेवरल प्रोटोकॉल्स। अलग अलग प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं दोस्तों, नेटवर्क में आपने पढ़ रखा है, नेटवर्क में हम लोग एक बात करते हैं प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको कुछ मैसेज सेंड करना चाहता हूं थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू फेसबुक या ईमेल के थ्रू, या दोस्तों ये वीडियो भी अगर आप देख रहे हैं, तो यहां अपन क्या कर रहे हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स को यूज करते हुए इंफॉर्मेशन एक सेंडर रिसीवर को सेंड करता है, ठीक है। तो यहां पर अगर एक सर्वर और क्लाइंट के बीच में कनेक्शन हो रहा है तो उसमें आप बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रोटोकॉल्स को यूज कर सकते हैं। तो MySQL जो है वो सर्वर से कनेक्ट होने के लिए, बहुत सारे अलग अलग प्रोटोकॉल्स को यूज करने के लिए, उसमें कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए भी बहुत सपोर्ट करता है। इसी तरीके से लोकलाइजेशन है। लोकलाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि जो एरर्स आती है दोस्तों वो अलग अलग लैंग्वेजेस में अगर आप देखना चाहते हैं, जैसे आपको लगता है कि या जैसे इंग्लिश, सपोज किसी को इंग्लिश नहीं आ रही किसी कंट्री में दोस्तों, इंग्लिश किसी के अंदर स्वीडन, किसी में फ्रेंच, अलग अलग लैंग्वेजेस में भी अगर आप चाहें तो आपको एरर यानी कि मैसेज आपको डिस्प्ले किया जा सकता है। जैसे अपन जानते हैं मोबाइल में बहुत सारी सेटिंग्स में अगर अपन जाके लैंग्वेजेस देखें तो इसमें भी दोस्तों बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस में आपको एरर शो कर दी जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों बहुत सारे की फीचर्स अपन डिस्कस कर रहे हैं। इसके साथ साथ अपने पास है क्लाइंट्स एंड टूल्स। क्लाइंट्स को लेकर के बारे में बात करें, क्लाइंट्स के क्या टूल्स अपने पास हो सकते हैं, तो दोस्तों कमांड लाइन को भी यहां पर सपोर्ट किया जाता है। इसी तरीके से ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को भी अपन यहां पर यूज कर सकते हैं। तो देखिए बहुत सारे ऐसे फीचर्स थे जो अपन ने अभी डिस्कस किए। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखने वाले हैं। इन केस अगर आपके माइंड में दोस्तों कोई भी डाउट हो तो दोस्तों अलग अलग प्लेटफॉर्म से आप यहां किसी के साथ में भी दोस्तों मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही देखने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच पाएंगे। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।